विकास जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, और डॉक्टर एस कुमार जी। यस यस, अनम्यूट कर लें विकास जी आप अपने आप को। थैंक यू सर, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है अरुण जी? वाइब्रेट कर रही है सर, आवाज गूंज रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? हो रहा है सर। ओके, फिर ट्राई करता हूं मैं। ओके डॉक्टर साहब, क्या क्लियर आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर कुमार सर, क्लियर? स्टार्ट करें सर, स्टार्ट करें। ओके थैंक यू, हो सकता है, चलिए मैं ट्राई करता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताइए आप। और सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय अटल। मेरा इंट्रोडक्शन, नाम विकास गौतम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और इस बिजनेस में ऑटो सेल्स मास्टर। और आज फिर एक बार मुझे ये मौका मिला है टीम के माध्यम से कि हर सोमवार को मुझे एक जिम्मेवारी दी गई है, मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा, अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगा कि आज कुछ अलग हो पाए और कुछ चेंज हो पाए। और आज का जो सेशन होने वाला है, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर एस कुमार सर आपका थैंक यू सो मच थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि आपने पूरा सेशन मात्र 2 मिनट के अंदर आपने समझा दिया और दिखा दिया, मैं रियली बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर एस कुमार सर, और सभी का इस जूम सेशन में वेलकम है, स्वागत है। और मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं 100% करूंगा कि आज का सेशन एक बेहतरीन सेशन और आपके जीवन में चेंज आए, बदलाव आए। और जो बदलाव हो सकता है, कहते हैं जो जीवन में बदल सकता है वो दुनिया बदल सकता है। और आज मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं इसकी शुरुआत करूंगा सेशन की। अपनी जिंदगी को पूर्ण तरीके से बदलने के लिए ये सेशन है कि हम अपनी जिंदगी को बदल दें, और मुड़कर वापस अगर देखें तो हमको ये यकीन नहीं होना चाहिए कि ये जिंदगी हमारी थी। मैं फिर से बोलूंगा कि हम अपने जीवन को बदलने के लिए और जीवन को बदलने के बाद अगर हम मुड़ के देखें, पीछे जाएं, तो हमको ही यकीन नहीं चाहिए कि ये जिंदगी मेरी थी, ये जिंदगी में मैं था, यकीन नहीं हो। और आज के शुरुआत करने जा रहा हूं पैनिक स्टोरी, वॉइस क्लियर नहीं है सर आपकी, नेटवर्क में, नेटवर्क आपका बहुत स्लो है। ओके अभी क्या क्लियर आवाज आ रही है? नहीं सर, कुछ गड़बड़ किया है आपने, कुछ ना कुछ जरूर चेंज है, क्योंकि आज आवाज भी ठीक नहीं है। मैंने जगह भी थोड़ी चेंज की, इसलिए कि वहां पर मुझे लगा था। ओके डॉक्टर साहब, चलिए मेरे को कैमरा ऑफ करना पड़ेगा फिर, सॉरी, ऐसा हो सकता है क्या? अभी सही है सर, क्या अभी क्लियर आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सही है। हाँ, मैंने कोई जगह नहीं बदली, मैंने कोई जगह नहीं बदली, मैं वहीं की वहीं बैठा हूँ, रियली बता रहा हूँ आपको। चलिए कोई बात नहीं, अगर क्लियर है तो मैं बोलूंगा। वीडियो ऑन करूँ? ओके यस, अभी ठीक है, करेक्ट, ओके, चलिए। थैंक यू, थैंक यू अरुण जी, डॉक्टर कुमार जी, थैंक यू सो मच। और सेशन की शुरुआत करता हूं मैं कि अपनी जिंदगी को पूर्ण तरीके से बदलने के लिए, और हम मुड़कर भी वापस अगर देखते हैं तो हमको लगना नहीं चाहिए कि ये जिंदगी मेरी थी। और आज का सेशन मैं स्पेशली मैं बोलूंगा कि मैं थोड़ा सा सेशन में कुछ बातें ऐसी रहेंगी, और मैं टोटली मैं बोलूंगा कि वो सेशन मैं मेरे ऊपर बोलूंगा कि वो सेशन की कुछ बातें हैं जो मेरे पे लागू है, और मैं अपने ऊपर लूंगा और आपको जैसा लगे ना। थैंक यू सो मच। एक स्टोरी के माध्यम से मैं इस सेशन की शुरुआत करना चाहता हूं कि एक लगभग 5 से 7 पहले भी ये सेशन हो चुका है, मेरे कुछ साथियों ने पहले ये सेशन सुना है, और मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से सुनिए आप उस सेशन को, कुछ लोगों ने नहीं सुना है। एक 5 से 7 फुट एक तालाब, और उस तालाब में लगभग 5 से 7 फुट पानी, और उस तालाब के अंदर कुछ कीड़ों का समूह रहता था, डेप्थ में, डाउन में। और वो कीड़े हमेशा कहते हैं कि पीढ़ियां दर पीढ़ी आती रही, कीड़ों का जन्म होता है, वो मर जाते हैं, फिर जन्म होता है, फिर मर जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ कीड़ों के दिमाग में एक ख्याल, एक विचार आने लग गया कि हम लोग पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन पानी के ऊपर क्या है, ऐसा क्या है इस पानी के ऊपर? कोई जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था,
लेकिन उनमें से कोई लीडर निकल के आगे आया और उसने कहा कि मैं जाकर देखूंगा कि इस पानी के ऊपर ऐसा क्या होता है, क्या है इस पानी के ऊपर। और वो कमिटमेंट करता है अपनी पूरी टीम के साथ, अपने उस कॉलोनी के कीड़ों के साथ कि मैं जाऊंगा ऊपर और मैं वापस लौट के आऊंगा। और वो ऊपर वहां पर पानी की डेप्थ में एक छोटा सा एक पौधा लगा हुआ होता है, वो ऊपर जाता है जो कि पानी के ऊपर निकल जाता है। तो वो कीड़ा निकल जाता है और वो वापस उसका इंतजार कर रहे होते हैं सारे कीड़े कि वो वापस लौट के आएगा, लेकिन वो लौट के नहीं आता है। काफी टाइम निकल जाता है कि वो लौट के नहीं आता। उसके बाद दूसरा ट्राई करता है, तीसरा ट्राई करता है, 4, 5, 10 लगातार कुछ वक्त के बाद में ट्राई करते हैं, लेकिन वापस लौट के कोई नहीं आता है। लेकिन ये एक राज, एक रहस्य बन जाता है कि ऐसा उस ऊपर की दुनिया में ऐसा क्या है कि वापस नहीं आ सकता। लास्ट में कोई एक बहुत बड़ा लीडर आता है और वो कहता है कि वो आए या ना आए कोई बात नहीं, लेकिन मैं कमिटमेंट करके जाता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगा, बताऊंगा कि ऊपर ऐसा क्या है। और वो कीड़ा धीरे 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 ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और जैसे ही वो ऊपर पहुंचता, पानी के ऊपर निकल कर पहुंच, तो बाहर ऊपर दिखता है वो सूर्य की रोशनी, अंदर से बाहर जब निकलता है तो बाहर एक प्रकाश दिखाई देता है। ये दुनिया तो एक बड़ी अजीब दुनिया है, यहां पर तो बहुत बड़ी रोशनी है, लेकिन वो पानी से निकलकर जब पानी के ऊपर था तो वहां पर के फूल लगे और कमल के ऊपर वो जैसे तैसे करके उसके ऊपर बैठ जाता है। कुछ घंटे के बाद, कुछ घंटों के बाद धूप उसके शरीर पे भी है, उसके बॉडी पे भी है, उसके शरीर हलचल सी कुछ अलग सा फील कर, ऐसा लगा कि मेरे शरीर से कुछ निकल रहा है। थोड़ी ही देर के बाद उसके दो पर निकल आते हैं, दो पर निकल आते हैं और वो कुछ के बाद उड़ने की कोशिश करता है, कभी उड़ता है कभी गिरता है, लेकिन में वो उड़ ही जाता है। पूरा दिन वो घूमता है, कभी इस पे कभी उस फूल पे, तो घूमते हुए पूरा इतना फील होता है वो सब कुछ भूलता है कि नीचे किसी को तो छोड़ के आया था, और वो एक ड्रैगन फ्लाई बन जाता। पहले उसकी जिंदगी थी कीड़े की, और आज उसकी जिंदगी में परिवर्तन होता है और वो एक ड्रैगन फ्लाई बन जाता है। कुछ समय के बाद धीरे धीरे जब वो पानी के ऊपर से नेक्स्ट डे घूमता है तो उसको एक एहसास होता है कि तेरे नीचे जिन लोगों से तूने कमिटमेंट किया था वो तेरा आज इंतजार कर रहे हैं और तुझे वापस जाना ही होगा। वो प्रयास करता है पानी में जाने के लिए, लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब वो निकल के आया था तो वो एक कीड़ा था, लेकिन जब वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो उसके पर निकल आए हैं और वो पानी में जब भी टच करता है वो अंदर एंट्री नहीं कर पाता है। 2-3-4 बार प्रयास करता है लेकिन वो अंदर एंट्री नहीं कर पाता है। उसको 5 बातों का एक एहसास होता है। जब वो ड्रैगन कीड़े से जब ड्रैगन फ्लाई बनता है तो उसको वो 5 बातों का वो एहसास होता है कि उसके जीवन में वो 5 कौन सी वो बातें हुई, वो कौन सी वो चीजें हुई। मैं आपको उस स्टोरी के माध्यम से जरूर बताना चाहता हूं कि वो उस ड्रैगन फ्लाई ने क्या एहसास किया, वो 5 बातें क्या था। नंबर 1, अगर मैं डिसीजन नहीं लेता ऊपर जाने का, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं डिसीजन नहीं लेता ऊपर जाने का तो शायद आज भी मैं कीड़ों की कॉलोनी में रहता। आज भी उसके अंदर की वो एक इच्छा थी, मजबूत इच्छा थी कि मेरा जो जन्म है, देखिए बहुत से लोग होंगे, मैं रुकूंगा, मेरा जो जन्म है वो कीड़ों की कॉलोनी में मरने के लिए नहीं हुआ। मेरा जन्म जहां भी हुआ जैसा भी हुआ मैं वो तो नहीं बदल पाऊंगा, लेकिन उसकी अंदर की एक इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी, इतनी मजबूत इच्छा शक्ति के कारण वो ऊपर पहुंच पाया और अपना जीवन बदल पाया। अंदर की इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत थी उस कीड़े की। पहली चीज उसने एहसास किया, अगर मैं डिसीजन नहीं ले पाता
और अगर मेरे अंदर एक इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होती और मैं वरना मैं आज भी उसी कीड़े की कॉलोनी में होता और मैं शायद वही मरता। मरना तो मुझे आज भी यही है, लेकिन आज मैं ड्रैगन फ्लाई बन गया, मैं उड़ सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं अपना जीवन बदल चुका हूं। तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ड्रैगन फ्लाई, कीड़े से ड्रैगन फ्लाई बना, तो उसको पहली चीज जो समझ में आई वो आया डिसीजन, कि मेरा निर्णय, मैंने एक निर्णय लिया। दूसरी बात समझ में आई थी विकास जी, थोड़ा सा सब लोगों का वो आ रहा, थोड़ा सा वीडियो ऑफ करके बात कीजिएगा एक बार, थोड़ा सा वॉइस डिस्टरबेंस है कुछ लोगों का। ओके, अभी क्लियर आ रही है? यस सर, कंटिन्यू, क्लियर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर मेरी वॉइस अगर क्लियर रही तो मैं फिर वापस शुरू करता हूं, कि अगर मैं ऊपर उठने का प्रयास नहीं करता तो शायद आज भी मैं उस कीड़ों के झुंड में रहता, उस ड्रैगन फ्लाई के दिल में एक अरमान था, एक सपना था कि मैं पैदा कहीं भी हुआ हूं लेकिन मुझे कीड़ों की कॉलोनी में नहीं मरना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, मेरी जिंदगी में कुछ हो सकता है, क्यों ना प्रयास किया जाए। बात को समझिए, क्यों ना प्रयास किया जाए। जिंदगी में अगर कुछ नहीं भी हुआ, मेरी लाइफ में अगर कुछ नहीं भी हुआ तो मैं कीड़ा तो रहूंगा ही रहूंगा, उससे नीचे तो मैं नहीं जा सकता, राइट। तो मैं प्रयास करता हूं और मैं अपना जीवन बदलता हूं। उसके अंदर की वो इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी उस कीड़े की कि उसको ड्रैगन फ्लाई बना दिया। तो हमारे अंदर की इच्छा शक्ति मजबूत होना बहुत जरूरी है, अगर मजबूत है तो हम अपने जीवन को बदलाव कर सकते हैं, 100% हम लोग बदलाव कर सकते हैं। नंबर टू, दूसरी बात, कौन सा उनको एहसास हुआ? परिवर्तन। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन का सही मतलब क्या है? अरुण सर, मैं आपसे बात करता रहूंगा तो बड़ा शानदार बनेगा। अरुण सर, परिवर्तन का नियम, परिवर्तन का सही मतलब क्या है? परिवर्तन का सही मतलब सर, मेरे हिसाब से तो अपने अंदर बदलाव करना, समय के अनुरूप, जब समय जैसा ठीक लगे तो हमको अपने आप में बदलाव करना बहुत जरूरी होता है, यही मुझे लगता है परिवर्तन है। हम लोगों ने सबने शायद परिवर्तन किया होगा। बिल्कुल ठीक है, आपने परिवर्तन का सही मतलब है, जब आप वापस मुड़कर देखें तो आपको ही ना लगे कि वो आप ही थे। परिवर्तन, चेंज। जब आप वापस मुड़कर देखें तो आपको ही ना लगे कि वो आप ही थे, वो जिंदगी आपकी थी। ड्रैगन फ्लाई को जब वो मुड़ के देखा तो उनको बिल्कुल भी अब नहीं लगता कि मैं पहले वाला कीड़ा था, क्योंकि अब उसकी जिंदगी टोटल की टोटल चेंज हो चुकी है, राइट सर। परिवर्तन, तो वापस चाकर भी वो वापस नहीं जा सकता। ड्रैगन फ्लाई आज चाहकर भी वो चाह रहा था कि मैं अपने उस कीड़ों के झुंड में पहुंच जाऊं, लेकिन उसके अंदर इतना चेंज हो गया, इतना परिवर्तन हो गया, वो चाहकर भी वापस कीड़ा नहीं बन सकता। चाहकर भी, इतना परिवर्तन उसके अंदर हो चुका था, वो चाहकर भी वो चाह रहा था कि मैं वापस लौट जाऊं, लेकिन वो नहीं लौट सकता। उसके अंदर इतना परिवर्तन हो गया कि वो लौटता तो परिवर्तन वो हो चाहिए, चाहकर भी हम वापस जहां से चले हैं, जहां से निकले हैं, वापस नहीं जा सकते। ड्रैगन फ्लाई इतना परिवर्तन कर दिया सर उन्होंने, रियली। नंबर थर्ड बहुत बड़ी बात है सर, जिंदगी में कोई भी चीज अगर हम लोग हासिल करते हैं, बाकी मैं चाहता हूं कि डॉक्टर एस कुमार सर बीच बीच में आप आए, क्योंकि आपके आने से बहुत सर कुछ और अलग बनता है। प्लीज, अगर आप कुछ बोलना चाहें, डॉक्टर एस कुमार सर, प्लीज वेलकम। यस डॉक्टर एस कुमार, सुन पा रहे हैं अरुण जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा डॉक्टर साहब की वजह, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। ओके, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। जितने भी लोग नेटवर्किंग करते हैं, जैसे मैं और विकास जी उसमें से शामिल है, या डॉक्टर साहब, या बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पहले भी कई बार नेटवर्किंग किया है, हम लोगों में वो बदलाव जो हो चुका है ना, हम चाह के भी इसको छोड़ नहीं सकते हैं,
क्योंकि हमें पता है कि इसमें क्या मतलब बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, हम इस जीवन में यहाँ पे बढ़ सकते हैं, कई नुकसान सहने के बावजूद भी हम इसमें बार बार आगे ही बढ़ने की कोशिश करते हैं, राइट सर? राइट, ये भी परिवर्तन है। यस, डॉक्टर एस कुमार सर नहीं है क्या अभी सेशन में? है बिल्कुल सर है, मे बी शायद मैं देख लेता हूँ, मे बी सर कोई बात नहीं, वो कुछ बोलना चाहते हैं ना। ओके, थर्ड मैं फोर्थ में बताना चाहता हूँ अरुण जी, कामयाबी की कीमत, कामयाबी की कीमत चुकानी पड़ेगी। पॉइंट नोट कीजिए, जो भी साथी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, कामयाबी की कीमत। ड्रैगन फ्लाई ने अपनी कामयाबी की कीमत चुकाई, अपने परिवर्तन की कीमत चुकाई। जानते क्या, अगर ड्रैगन फ्लाई वापस चली जाए, अगर ड्रैगन फ्लाई वापस चली जाए तो क्या उसके बाकी जो कीड़े हैं, जो साथी थे, क्या वो मानेंगे कि वो उन्हीं का बीच का है या कभी उनके बीच में था? नहीं, कभी नहीं मानेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे। मतलब कि जो हम हैं, जैसे भी हम हैं, अगर हम अपने आप को परिवर्तन कर देते हैं तो क्या होगा कि जो जब परिवर्तन होने से पहले जो चीज हमारे पास थी, या आप मान सकते हैं कि आपके दोस्त लोग मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, अगर आप वापस जाते हैं तो वो कभी भी ये नहीं मानेंगे कि आप उनके बीच के थे, कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। मैं छोटे से उदाहरण के लिए बोलना चाहता हूं, क्या अरुण सर जी, मोहन चंद करमचंद गांधी जी के जो फ्रेंड थे, क्या जी, वो महात्मा गांधी के थे? नहीं सर, बिल्कुल यस और नो? बिल्कुल नहीं सर। क्या अरुण सर, मेरा आपसे भी है, मैं क्या आप जब से नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, क्या जो आपके फ्रेंड थे क्या आज भी वो हैं, क्या चेंज? बिल्कुल सर, जो मेरे पहले पुराने फ्रेंड थे वो उस लेवल पे मेरे आज फ्रेंड नहीं है, आज नए हैं मेरी, मुझे लगता है। मैं मेरे बारे में कह सकता हूं, मैं रियली बता रहा हूं कि आज जो मेरे फ्रेंड हैं, आज कौन है मेरे फ्रेंड? आप लोग, राइट? आप लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात को, इससे पहले की जिंदगी में मेरे कुछ लोग थे जो आज मेरे पास नहीं है। चेंज, चेंज, मैं फिर कह रहा हूं कि चेंज। जो विकास गौतम 3 लोगों में बात नहीं कर पा रहा था, आज उसके अंदर इतना चेंज है कि वो 100, 200, 300 लोगों के बीच में बात कर रहा है सर। चेंज, बदलाव, कीमत चुकाई, कीमत चुकानी पड़ती है। तो पीछे हमने उन दोस्तों के बीच में अगर हम वापस जाते हैं तो वो कीमत चुकाई, महात्मा गांधी के दोस्त जो महात्मा गांधी के दोस्त थे वो मोहन चंद करमचंद गांधी के दोस्त थे। सॉरी, बहुत सारी ओके। स्वामी विवेकानंद, देखिए अपने ऊपर लेना है सबको, ले लीजिए। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद बनने से पहले उनका नाम क्या था? नरेंद्र। क्या नरेंद्र के जो दोस्त थे क्या वो स्वामी विवेकानंद जी के दोस्त थे? नहीं थे, नहीं थे, है ना? कामयाबी की कीमत, कामयाबी की वो कीमत चुकाई कि जो उनके पहले जो दोस्त थे आज वो नहीं है। आपको आपकी कामयाबी की कीमत चुकानी होगी। कीड़े से बटरफ्लाई जो बनी उसने अपनी कीमत चुकाई, कीमत चुकाई, राइट सर? क्लियर आवाज आ रही मेरी? ओके, बिल्कुल। और ओके, अब एक और बहुत बड़ी बात है अरुण सर, सबसे बड़ी और कमाल की बात है। अरुण सर, मेरा एक सवाल है आपसे, आप उसका आंसर देंगे प्लीज। अरुण सर, क्या आपको कोई दोस्त आपके पुराने क्या ये कहते हैं कि आप में चेंज आ गया, आप में बदलाव आ गया, क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? यस और नो? सारे सारे कहते हैं सर भाई ये अरुण मीना बहुत अलग हो गया, ये मेरे दोस्त okay. बहुत अलग थे, बहुत चेंज है सर जी। अरुण जी, क्या मैं जानना चाहता हूं, अगर आपका दोस्त आपसे पूछता है, आपसे कहता है कि अरुण जी आप में बदलाव हो गया है, आपका जवाब क्या होगा? सर मैं तो एक्चुअली मैं तो नहीं बदला, मुझे लगता है वो शायद मेरे को नहीं पहचान पा रहे, मैं तो पॉइंट नोट करो, सभी साथियों को बताने जा रहा हूँ। अरुण जी मैं फिर से पूछ रहा हूँ, अगर विकास गौतम आपका फ्रेंड आपसे कहता है कि यार अरुण जी आप में बदलाव हो गया, तो आप क्या कहेंगे मुझे?
बिल्कुल मेरे हिसाब से कोई बदलाव नहीं है, बदलाव जिसको कहते हैं सिर्फ उनकी सोच में है, हम तो वैसे ही थे जैसे पहले। यस, 100 में से 99 लोग इस बदलाव की प्रतिक्रिया में इसलिए वापस चले जाते हैं कि लोग उनसे कहते तुम बदल गए, और वो इस बात को मान लेते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं बदले सर, हम नहीं बदले, हम तो भाई वैसे थे आज भी वैसे। नहीं, हम बदले हैं, हमने चेंज किया है। 99 लोग, 100 में से 99% लोग वापस अपने परिवर्तन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि 4 लोगों की बात सुनकर उनका दिल कमजोर पड़ जाएगा। यार लोग कहते हैं कि मैं तो बदल गया, यस मैं बदल गया, मैं चेंज हो गया, यस राइट सर। अगर कोई आपको बोलता है कि आप नहीं बदले, आप जैसे थे वैसे हैं वैसे, तो मान लीजिए आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर अगर कोई आपको ये बोलता है कि आपका बात करने का अंदाज बदल गया, आपके कपड़े कर पहनने का अंदाज बदल गया, आपका एटीट्यूड बदल गया, तो दिल खोल के बोलना यस मैंने अपने आप को चेंज कर दिया, मैंने अपने आप के अंदर बदलाव कर दिया, राइट सर। तो बदलाव का जब भी अगर आपके सामने से कोई कहे, अक्सर यही होता है 100 में से 99 लोग एक ही बात बोलते नहीं 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 मैं तो जैसा था भाई वैसा ही, राइट सर। नहीं सर, परिवर्तन बदलाव किया है। मैं सामने बैठा हूं, मैं क्लियर बताने जा रहा हूं मेरे बारे में, ये जो स्टोरी है बिल्कुल मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है, मैं बिल्कुल तालाब से निकल के आया हूं भाई, क्लियर बोल रहा हूं, ऊपर चढ़ाऊं बिल्कुल ड्राइव ड्रैगन फ्लाई बनाऊं मैं अपने ऊपर ले रहा हूं। तो अगर आपको कोई भी साथी ये कहता है कि बदलाव, तो यस बदलाव को स्वीकार कीजिए। उन लोगों से मुझे बहुत डर लगता है राहुल जी ना अरुण जी, जो बदलने नहीं देते, जो बदलने नहीं देते। विकास जी मैं यहाँ पे 100 लोग हैं, बिल्कुल आपने जो बातें कही, बदलाव जिसको कहते हैं 100% होता है हम लोगों के अंदर, हमारा एटीट्यूड चेंज होता है, पर्सनैलिटी चेंज होती है, बोलना चेंज होता है, कपड़े चेंज होते हैं, बर्ताव चेंज होता है। हम समय जो अपने दोस्तों को देते थे या टीवी में देते थे या रिश्तेदारी में देते थे, वो अब हम यहाँ पे देते हैं। ये बदलाव है, लेकिन ये बदलाव अच्छे के लिए है, राइट। कितने लोग इससे एग्री करते हैं कि आप लोग बदले हैं क्या, क्या आप लोग इस तरह से बदल रहे हैं क्या, जैसे विकास जी बोल रहे हैं, राइट सर। ये कह रहे हो सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं जानना चाहता हूं क्या क्या आप में से जितने भी साथी हैं, प्लीज मैं जानना चाहता हूं कि आप चैट बॉक्स में आइए, क्या आपके जीवन में बदलाव आए हैं, क्या आपका जीवन रियली, आपका एटीट्यूड, आपकी भाषा, आपका जो कुछ भी, क्या आप पहले जैसे ही हैं आज, क्या वाकई में आपके अंदर चेंज हुआ है, क्या लोग आपको कहते हैं कि आप में बदलाव आया, आपकी फैमिली या आपके दोस्त या कोई भी क्या आपको बोलते हैं, प्लीज अरुण सर चैट बॉक्स में देखिए। राइट, बिल्कुल कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं सर, मैं लगातार देख रहा हूं। मैं भी देखना चाहता हूं, क्या आपके अंदर चेंज आए हैं, क्या लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए कि आप में बदलाव आ रहे हैं, आप पहले जैसे नहीं हो। देखिए ये आप... ये कोई एक जनरल बातें नहीं कह रहे हम, बाकी अगर दिल से आपको लगता है कि आपके अंदर इस बीच में बदलाव हुआ है, नहीं आया तो हो सकता है आगे आ जाए। एक्चुअली हमको लगता है, मेरे को लगता है, विकास जी को लगता है कि मैं अपना अगर मैं बोलूं 20 साल पहले मेरी सोच क्या थी, आज की सोच मेरी क्या है, उस समय मुझे लगता था कि जो होता है 5,000 सैलरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आज मुझे लगता है 5,00,000 हो जाए तो यार कम ही है, तो ये बदलाव है। यस, सबका सर यस नहीं है सर, सर गजब है, इसका मतलब बदलाव हो रहा है सर। देखिए अरुण जी मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, ये मतलब कि बदलाव, देखो जो कहते हैं ना कि जो बदल नहीं सका वो बदल, जो खुद नहीं बदल पाए ना सर, वो किसी को नहीं बदल पाएगा। हमको ये परिवार को लगना चाहिए सर, मैं अपने ऊपर बताने जा रहा हूँ, मैं रियली बता रहा हूँ। अरुण सर आपसे तो खैर 3 से 4-5 साल से मैं जानता हूँ आप में एक दूसरे को, लेकिन एक्चुअल में मेरी जिंदगी में बहुत से चेंज आए, राइट 100% की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन काफी चेंज आए, काफी बात करने का भी थोड़ा बहुत एटीट्यूड बदला है मेरा, कपड़े पहनने का भी बदला। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी, देखिए मैं क्लियर बता दूं, मैं सूट लेंथ नहीं पहनता था और टाई कभी नहीं लगाई मैंने, कभी नहीं लगाई, लेकिन बदलाव किया। आज जो साथ के लोग हैं वो बिल्कुल मुझे कहते हैं कि विकास जी आप में चेंज आया है। तो अगर आपको कोई कहता है कि आप में बदलाव आ रहा है,
तो ये अच्छी बात है, और आप ये बात जरूर बोलिए, ये मत बोलिए नहीं भाई हम नहीं बदले, यस मैं बदल रहा हूं, मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूं। तो चेंज अपने ऊपर करना, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है, राइट तरुण सर? तो बहुत से साथियों ने किया है। आज का ही विकास जी, आज का इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे ऑफिस में मेरी बहुत पुरानी, मतलब कि हमारे डिपार्टमेंट चेंज हुआ है इस 7 साल पहले, वो पुरानी ही उस डिपार्टमेंट में थी फीमेल, मनीषा उनका नाम है। उन्होंने कहा अरुण अब क्या तुम वो रियल स्टेट करते हो? मैंने कहा नहीं अब वो नहीं करता, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। तो एक और जो मेरे साथ हैं आज, यानी ये बहुत चेंज हो गया है, ये सुपर्ब है, ये बहुत आगे चला गया, ऐसे शब्द उनके मुँह से निकल रहे थे, मेरे मुँह से नहीं निकल रहे थे। ये डूइंग वेरी वेल, मतलब ऐसे शब्द वो बोल रहे थे, ये बदलाव है। और उन्होंने, मैं जिस दिन मेरी कहानी आएगी तो जरूर आप लोगों को लगेगा कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो मैं सुशील सर को एक मिनट के लिए ले लूँ सर, प्लीज एक मिनट ले, बिल्कुल लीजिए, मैं चाहता हूँ, प्लीज प्लीज। सुशील जी, सर दुनिया में अगर एक 130 करोड़ आबादी है तो कोई एक आदमी नहीं कह सकता जो बदला नहीं है। सर हमारी शुरुआत बैलगाड़ी से हुई और टमटम से हुई थी, कितने लोग आज बैलगाड़ी यूज कर रहे हैं? लोग साइकिल पे आए थे कि नहीं आए थे? साइकिल के बाद से लोग बदले कि नहीं, बाइक पे आए कि नहीं आए? सर जी कपड़े की बात बहुत अच्छा एग्जांपल था, कितने धोती पहनते हैं आज। सर बस ये है ना कि बदलाव अंदर से खाली नहीं आता है, सोच में भी आ गया। सर आज कितने लोग हैं जो घर में रेस्टोरेंट नहीं जाते होंगे, व्यवस्था आता गया, लोग बदलते चले गए। सर ये भी एक व्यवस्था ही है सर, नेटवर्क सिस्टम भी, तो लोग को आना ही होगा। और सबसे अच्छा बात एक और सर, बदल लिए तो बदल लिए, लेकिन जिस दिन समय बदलेगा सर कुछ भी नहीं रहेगा उसके हाथ में। तो अच्छा है कि चलती गाड़ी पे बैठ जाए हम लोग, ये ना सोचे कि बदलना है कि नहीं बदलना है, बदल रहे हैं सर, सब लोग बदल रहे हैं, कोई है जो नहीं बदला है अभी तक? तो है सर, थैंक यू। लोग हैं, कुछ लोग हैं, और मैं एक चीज जरूर कहूंगा विकास जी यहाँ पे, देखिए ये नेटवर्क मार्केटिंग है, आपको हो सकता है आपका अपना तरीका लगता होगा कि बेस्ट है, बेस्ट होगा वो, लेकिन इस इंडस्ट्री के हिसाब से क्या वो बेस्ट है वो आपको जरूर जांचना पड़ेगा। ठीक कह रहा हूँ सर? सर वॉइस नहीं आ रही, एक बार फिर बोलिए सर, आवाज नहीं। मैं कह रहा हूँ सर, बहुत सारे लोगों को लगता है वो जो कर रहे हैं वो बेस्ट है, लेकिन क्या वो इस इंडस्ट्री के हिसाब से बेस्ट है? देखिए सर, हर इंसान का अपना एक अंदाज है, आप समझिए बात को, हर बात के दो मतलब निकलते हैं ना। तो मेरे को लगता है कि ऐसा है, आपको लगता है कैसा है, आप समझिए। शायद या तो मैं तो आपकी बात को नहीं समझ पाया कि मैं चेंज परिवर्तन वो हर चीज पे लागू है सर, हर चीज पे लागू है सर। ये बातें ऐसा नहीं कि मार्केटिंग हमारे मन में लागू है, हर लागू कृष्ण जी कुछ शायद कहना चाहते हैं। कृष्ण जी, कृष्ण गोपाल कुमार जी, प्लीज प्लीज। गुड इवनिंग विकास सर। सर मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि ये चीज क्या, जैसे अभी सुशील सर ने बताया कि बदलाव सब में आता है, ये सर एक्चुअली साइंटिफिक चीज है, मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक थे डार्विन, उनका एक सिद्धांत था कि सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, जिस आदमी ने अपने आप को बदला वही दुनिया में सर्वाइव करवाया सर, जो नहीं बदला वो विलुप्त हो गए। करेक्ट, राइट सर, राइट। यस कृष्ण गोपाल जी, एक मिनट सर, दोबारा से मैं ऑप्शन देता हूँ, म्यूट हो गया उनका। राइट सर, मैंने उनको ऑप्शन दिया है, आप कंटिन्यू कीजिए विकास जी। नहीं, वो कृष्ण गोपाल जी वापस बात करना चाह रहे हैं, उनका ये बात कंप्लीट नहीं हुई। हाँ सर, मैंने उनको ऑप्शन दिया, मैं अगेन दे देता हूँ। यस प्लीज प्लीज, कृष्ण गोपाल जी आपकी बात कंप्लीट कीजिए। जी सर, मैं कह रहा था सर, एक बहुत पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डार्विन। यस सर। और डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था कि सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट,
जिसने अपने आप को नहीं बदला ना वो दुनिया से लुप्त हो गया, तो बदलना तो पड़ेगा, और जो बदला है वही आगे बढ़ा है। और अब उस थ्योरी में हमारे हिसाब से जब से नेटवर्क मार्केटिंग आई है ना, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट तो है ही, लेकिन जो सर्वाइवल फॉर फास्टेस्ट है, जिसने जितने जल्दी अपने आप को सिस्टम के अनुसार बदल लिया ना, वो ही सर्वाइव करेगा सर नेटवर्क में। तो ये बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि आदमी को बदलना होगा, क्योंकि प्राचीन जिन जानवरों ने अपने आप को आज नहीं बदला ना, वो धरती पे भी नहीं है, और ह्यूमन भी उस हिसाब से बदलता हुआ आया है तभी फिट हो रहा है। और ये जब कोरोना का दौर चल रहा है उसमें जिसने अपने आप को बदल लिया ना कोरोना के हिसाब से, वो रहेगा, जो नहीं बदल पाएगा वो दुनिया से चला जाएगा। तो अपने नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी बात ही 100% खरी उतरती है कि जिसने बदल लिया अपने आप को समय के हिसाब से और जितना जल्दी बदल लिया, वही नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होगा सर। थैंक यू कृष्ण गोपाल जी, थैंक यू सो मच। एंड लास्ट पॉइंट के बारे में मैं अरुण सर बताना चाहता हूँ कि एक ड्रैगन फ्लाई को कहते ना, जब इंसान ऊंचाइयों पे चला जाता है या वो ड्रैगन फ्लाई चला गया, मैं इंसान के बारे में क्या बोलूंगा, तो उसको एक एहसास बार बार एक चीज खाती थी, हमेशा परेशान करती थी, क्योंकि वो जानता था कि मैं हूं तो कीड़े का बीच गई, मैं कीड़ों के बीच के समूह का हूं तो मैं कीड़ा, लेकिन मैं अब बन गया ड्रैगन फ्लाई, लेकिन मैं चाहकर भी अपने लोगों को बताना चाहता हूं, लेकिन वो मानते नहीं। मैंने जो किया, मैं जैसे ड्रैगन फ्लाई बना, मैं चाहकर भी बताना चाहता हूं, लेकिन वो मेरी बात को मानते नहीं। ये एहसास, ये दर्द उसको हमेशा रहता था। जानते हैं फिर उसने क्या एहसास हुआ कि तुम उड़ते रहो, तुमको देख के कोई ना कोई कीड़ा एक दिन बदलेगा, और वो भी कीड़े से ड्रैगन फ्लाई बनेगा, और तुम्हारी वजह से बनेगा, और वो तुमको एक दिन बोलेगा थैंक यू सो मच, अपनी भाषा में बोले तो थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। तो हमें सिर्फ और सिर्फ उड़ते रहना है, बढ़ते रहना है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, अपने एटीट्यूड को बदलना है, चलते रहना है। बहुत से साथी बोलते हैं सर मेरे लोग मानते नहीं है, आता है सर अरुण सर ऐसी बात कई बार है ना, मेरे लोग नहीं मानते, है ना। ड्रैगन फ्लाई की बहुत बड़ी स्टोरी हो सकता है, मेरा समझाने का थोड़ा सा तरीका हो सकता है कोई अलग हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये समझने वाली बात है कि लोग मेरी नहीं मानते हैं। अगर आपने उड़ना शुरू कर दिया, तो लोग पूछेंगे आप कैसे उड़ते हैं, तो ये गारंटी है कि लोग भी आपकी तरह उड़ेंगे, 100% उड़ेंगे। तो ड्रैगन फ्लाई की ये स्टोरी, ज्यादा सेशन मैं बहुत लंबा नहीं, और मैं चाहता, अच्छा डॉक्टर एस कुमार सर कहाँ हैं आज, उनका रोल बिल्कुल ही रहा, बिल्कुल आ गए सर, वो ऑलरेडी है, प्लीज उनका रोल था ना, उनका टाइम भी था, बताएं सर बताएं। डॉक्टर साहब आप बीच में दिखाई नहीं दे रहे, बताओ। दे रहा हूं। आप दिखाई नहीं दे, तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि उड़ते रहिए, और उड़ते अगर हम रहेंगे तो लोग हमसे पूछेंगे, अगर शुरुआत में चेहरा दिखा देते तो एक्स्ट्रा एनर्जी होती मेरे पास डॉक्टर कुमार, ठीक है। कमाल कर दो। तो डॉक्टर साहब मैं सिर्फ इस ड्रैगन फ्लाई के ऊपर एक स्टोरी थी, और मैं अपनी तरफ से सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी को, मेरी तरफ से अगर कोई कमी रह गई हो सकता है आज थोड़ी बहुत रह गई हो, लेकिन आपको अपने अंदर सबसे बड़ी बात है कि डिसीजन जो आप एक ले चुके हैं, आपके अंदर की इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत चाहिए हमको, बहुत मजबूत चाहिए, है ना, बहुत भारी मजबूत चाहिए। और तीसरी बात है परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, और परिवर्तन भी वो होना चाहिए हम चाहकर भी, अपने आप को अगर देखना चाहें तो भी हमको लगना चाहिए कि हम वो नहीं है। ये बहुत गहरी बात, परिवर्तन तो हम लोग करते हैं, लेकिन हमको एहसास होना चाहिए, खुद को एहसास होना चाहिए
जिस दिन अपने आप को एहसास हो गया उस दिन सामने वाले को जरूर एहसास हो जाएगा। चौथी बात, कामयाबी की कीमत। अरुण सर यहाँ पर लोग बहुत डरते हैं कीमत का, जब भी बात आती है ना तो कीमत देने के मामले में लोग पीछे रहते हैं, हमेशा कीमत नहीं चुका पाएंगे। कीमत चुकानी पड़ेगी सर, मैं फिर बोलूंगा कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो उन्होंने कीमत चुकाई, जिसने भी अपनी कामयाबी को लिया है ना सर, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, उन सब ने अपनी कीमत चुकाई। तो कीमत चुकानी पड़ेगी, और हमेशा की बात, हमेशा उड़ते रहिए, उड़ते रहिए, उड़ते रहिए, अपने आप को डेवलप करते रहिए, देखिए लोग आपकी तरह उड़ना चाहेंगे, लोग आपकी तरह उड़ना चाहेंगे। यस सर, डॉक्टर एस कुमार सर प्लीज वेलकम। यस सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। विकास जी, जो एक्चुअली आपने जो चीजें आज बताई, वाकई में अगर हमें बटरफ्लाई की तरह उड़ना है तो अब मैं वापस उस वीडियो पे आना चाहूंगा जो उस वीडियो को हमने शुरुआत में स्टार्ट किया था। आपने देखा उस पर्टिकुलर कंडीशन, जब बटरफ्लाई बनने से पहले की जो कंडीशन थी, जब वो एक कीड़े के फॉर्म में था, तो आपने देखा कि कितना जद्दोजहद उसको करनी पड़ी उस पर्टिकुलर स्टेज को क्रॉस करने के लिए। उसने अपने थोड़ा थोड़ा खाने का इंतजाम किया, फिर उसने अपने शरीर के एक कवच को हटाया, फिर उसने अपने शरीर को बहुत ज्यादा एक फाइबर, एक धागे के रूप में बनाया, एक अपने मुंह के सलाइवा से एक धागा बनाया, उस धागे से उसने अपनी बॉडी को रगड़ा, और रगड़ने के बाद फिर सेकंड जो कवच थी बॉडी की वो उसने हटाई। मतलब कहने का तात्पर्य है बहुत ही सिंपल कि उस पर्टिकुलर दौड़ को देखिए, जिस पर्टिकुलर दौड़ में उसने अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करी, और उसके बाद कहीं जाकर उसके पंख आए, दिखे पंख, और जब पंख दिखना शुरू हुआ तब वो उड़ना शुरू हुआ और वो उड़ान सबको दिखी। लेकिन आप सोचिए कि वो उड़ान तो सबको नजर आती है, लेकिन क्या आपने उसके उस दर्द को, उस स्टेज को, लाइफ के उस स्टेजेस को, जिस समय वो संघर्ष कर रहा था, वो किसी ने नहीं देखा। कहते हैं माउंट एवरेस्ट जितना जमीन से ऊपर नजर आता है उससे कई गुना ज्यादा समुद्र से नीचे है। तो जब हम बटरफ्लाई की तरह आकाश में उड़ना शुरू कर दें तो वो उड़ान, वो उड़ान सबको दिखती है। आज अगर मैं बात करूं तो ऑटो सेल्स मास्टर की, डायमंड मास्टर की, शेरोन रोज मास्टर की, इंपीरियर मास्टर की, सबकी जो चेक्स है हम सबको नजर आता है। बहुत मजा आता है उस चेक को देखकर, और हमें कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत आसानी से इनको ये चीजें मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हो सकता है इस कंपनी में उनको बहुत शॉर्ट टाइम में वो अचीवमेंट मिल गई हो, लेकिन आपने उनके संघर्ष को देखा क्या? क्या आपने उसके लाइफ के उस पीरियड को देखा जब वो किसी और कंपनी में संघर्ष कर रहे थे, और कंपनी में एक एक पर्सन को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे? क्या क्या उन्होंने देखा होगा, सुबह खा के निकले होंगे और नहीं निकले होंगे, और 50 से 60 किलोमीटर जाके किसी को प्लान दे रहे होंगे, वो भी तो स्टेज था। क्या हमने उसको देखा? हमने उसे नहीं देखा। हमने सिर्फ क्या देखा कि यहाँ पे उनको लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख के चेक आ रहे हैं, और हमने ये देखा कि यहाँ तो उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन भाई ऐसा कभी नहीं होता। अगर उनको लास्ट कंपनीज का एक्सपीरियंस नहीं होता, लास्ट कंपनी ने 5 साल 10 साल उन्होंने नहीं लगाए होते, तो मैं गारंटी देता हूं यहां पे उनके बस की बात नहीं थी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेते, यहां उनके बस की बात नहीं थी कि उन 10 लोगों को ढूंढ के निकाल लेते जो उनके साथ उस कंपनी में उन्होंने संघर्ष किया था। उनको उसकी खूबी पता थी कि अगर इसको मैं इस कंपनी में लगा दूं तो ये बहुत बड़ा एम्पायर मेरे नीचे खड़ा कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो ऑटो सेल्स मास्टर है या कोई किसी भी पोस्ट में है तो वो एक दिन में ऐसा हो गया। ना तो बटरफ्लाई के पंख एक दिन में आए, और ना ही कोई ऑटो सेल्स मास्टर एक दिन में बना। ये सोचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफी है, और मैं समझता हूं ना समझी है, बेवकूफी नहीं बोलूंगा, ना समझी है। ऐसे लोगों को नेटवर्किंग का पता नहीं है, क्योंकि नेटवर्किंग में
बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता। अगर कोई ये सोचता है कि बाय डिफॉल्ट नेटवर्किंग में कुछ होता है तो ये कभी भी नहीं होता। संघर्ष आपने कभी किया था, रिजल्ट आपको कहीं मिल रहा है, ये नेटवर्किंग का रूल है। बेशक उस कंपनी में आपको लग रहा है कि एक साल हुए हैं, लेकिन उसके पीछे 5 साल 10 साल का बहुत बड़ा मेहनत छुपा होता है। अगर मुझे कोई बोले, मैं अपनी बात करूं तो एटमी में मुझे 2 साल हुए हैं, लेकिन एटमी में 2 साल में जो मैंने फ्लोरिश किया चीजों को, मैं नहीं मानता कि मुझे एटमी में 2 साल हुए हैं। मुझे एटमी में लिटरली 5 साल हो गए, क्योंकि 3 साल मैंने किसी और नेटवर्किंग में बहुत कुछ सीखा और उस एक्सपीरियंस को मैंने क्या किया, एटमी में लाके पूरा का पूरा पलट दिया। तो 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोलूं तो 5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। एग्जैक्टली अरुण सर को हो सकता है 10 साल का एक्सपीरियंस हो। ये समझने वाली बात होती है कि हर उड़ान के पीछे संघर्ष छुपा होता है, और बहुत दर्दनाक संघर्ष छुपा होता है। मैं आपको बताऊं, अरुण सर परमिशन है? यस सर, बिल्कुल कंटिन्यू सर। मैं आपको बताऊं लास्ट कंपनी में मैंने क्या किया। मैं अपनी बात बताता हूं, मैं एज ए डॉक्टर आप हंसेंगे, ये बातें मैंने स्टेज के लिए छुपा रखी थी, लेकिन आज कुछ माहौल ऐसा बन गया कि मुझे बोलना पड़ेगा। एज ए डॉक्टर मैंने आज तक अपनी लाइफ में, जिस दिन मैंने अपने 22 साल के करियर में डॉक्टरी स्टार्ट करी, और उस दिन मैंने ये सोचा था कि मैं किसी के घर में जाकर पेशेंट्स नहीं देखूंगा, और मेरा काम ऐसा था कि मेरे पास दूसरे तरह के पेशेंट होते हैं, तो मैंने ये डिसाइड किया था। आवाज आ रही है कहीं से? तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं किसी के घर में जाके पेशेंट नहीं देखूंगा, और आप हैरान हो जाएंगे, पूरी प्रैक्टिस के दौरान मैं कभी किसी के घर नहीं गया। लोग मुझे ये कहते थे कि कोई डॉक्टर साहब आप ये बताइए फीस कितना आपका घर आने का। मैंने कहा सर घर आऊंगा तो फीस ही नहीं लूंगा, मैं घर आता ही नहीं हूँ, घर आऊंगा तो फीस नहीं लूंगा। और मैं कभी भी किसी के घर गया, मैंने फीस नहीं लिया। बाद में कोई 21,000 भेज देता था, कोई 11,000 भेज देता था, तो मैं नहीं लेता था, लेकिन मैंने एक सोचा था घर नहीं जाऊंगा, और मैं नहीं गया। थ्रू आउट मैंने अपनी पूरी लाडसा भी दिखाई अपने प्रैक्टिस में, लेकिन जब मैं नेटवर्क कंपनी में आया, आप हैरान हो जाएंगे, मेरे एक डाउनलाइन ने मुझे बुलाया कि सर एक प्रोस्पेक्ट है, आप आइए, उसको बताना है। आप हैरान हो जाएंगे, जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे चक्कर आने लग गए। कहां पहुंचा आप सोच सकते हैं? भैंस के तबेले में, और वहां एक खाट पे बंदा बैठा हुआ था जिसको मुझे नेटवर्किंग समझाना था, और गोबर की बदबू आ रही थी वहां पे। और आप सोचिए, वो पर्सन जो सूर्या बल्लभ वाले, एक्शन सूज वाले, दिल्ली में माइक्रोटेक इन्वर्टर वाले के घर में जाने को तैयार नहीं, वो बंदा भैंस के तबेले में पहुंच गया नेटवर्किंग समझाने के लिए। आज सोचता हूं तो मुझे हंसी आती है अपने आप पे, यार क्या क्या नेटवर्किंग क्या चीज है। सेम पर्सन, सोचिए, सेम पर्सन आज भी किसी के घर में एज ए डॉक्टर नहीं जाएगा किसी कीमत में, कभी अननोन बन के कॉल करके देख लीजिएगा। लेकिन आज वही पर्सन आप नेटवर्किंग के लिए बोलिए, भैंस के तबेले में जाने के लिए तैयार है। सोच के देखिए क्या माइंड सेटअप है। सेम पर्सन का सेम डे, आज भी मैं बता रहा हूं, आज भी मुझे कोई कॉल करे डॉक्टर साहब पेशेंट देखने आ जाइए, मैं साफ मना कर दूंगा कि मैं नहीं आ सकता, मैं घर नहीं जाता किसी के। और सेम पर्सन नेटवर्किंग के लिए बोले तो मैं कहीं भी चला जाऊंगा। क्या लगता है आपको? सोच के देखिए। तो नेटवर्किंग इतनी आसान भी चीज नहीं है। आपको अपने माइंड का पूरा फ्रेमवर्क चेंज करना पड़ता है, पूरे दिमाग का सेटअप चेंज करना पड़ता है। अगर आप उतने सेटअप को चेंज करने के लिए तैयार हैं, आसान नहीं है कि आप सोचेंगे बस घर बैठे सब कुछ हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। सोच के देखिए, आप सिर्फ मेरा एग्जाम्पल लीजिए, सोचिए क्या कभी आपने आज एक साल में, 2 साल में, क्या आप कभी भैंस के तबेले पे जाके खाट पे बैठ के किसी को बिजनेस मार्क का प्लान दिया आपने? अगर दिया है तो हैंड रेस करके देखिए चैट बॉक्स में जरा, और काउंट करिए अरुण सर कितने लोग हैं जो भैंस के तबेले में जाके बिजनेस प्लान दिया हो। अरुण जी देखिए, देखिए चैट बॉक्स में, मुझे लगता है एक दो के भी नाम नहीं आएंगे।
राइट नहीं आए एक भी नहीं अनिल जी आ गए हैं और डॉक्टर एस कुमार, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी फोटो दिखा सकता हूं वहां पे कि बिजनेस प्लान देते हुए। मैंने कहा आया हूं तो चलो एक फोटो ले ही लेता हूं यहां पे। डॉक्टर साहब इसी को थोड़ा सा ऐड करूंगा आपकी बात को। यस आपने मैं अब देखिए प्लीज कोई भी बुरा ना माने, मेरे को लगता था बिहार जिंदगी में जाऊँ, बिहार क्या करने जाना है, सच बता रहा हूँ। ऐसी और वाराणसी और मतलब बनारस, अबे इतनी दूर कौन जाएगा भाई, तेरा दिमाग खराब है, रहने दे, मेरे बस की बात नहीं। ये मतलब ये मेरी मंशा थी और डेस्टिनी सर सबसे ज्यादा मेरे को बिहार और वाराणसी लेके गई सर, सच बता रहा हूँ आपको, देख लो। अच्छा मैं जाता हूँ अरुण सर, अरुण सर, अरुण सर मैं भी बोल लूं, आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं ये डॉक्टर साहब मैं दिल से कह रहा हूँ, आज अगर आपने दिल खुलवा ही लिया है तो मैं भी बता देता हूँ। एटमी की बात नहीं करता लेकिन मैं बात दूसरी कंपनी की करूँ, नाम था आरसीएम। तो मैं ऐसी जगह पहुंच गया था, बताऊं क्या बताना नहीं चाहिए क्या करूं, मतलब आप यकीन मानना यार ऐसा हुआ मेरे साथ कि यहाँ पर एक कंपनी में एक बंदा जॉब करता था, तो उनके जो रिश्तेदार थे उनके पास सुअर थे, सुअर, मैं सच बता रहा हूँ। मैं जब अलवर में प्लान देने गया तो मुझे उसके घर जाके पता चला, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। तो ऐसा डॉक्टर साहब मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन क्या करें भाई, प्लान तो देना ही था ना, तो मैं दे के आया था। ऐसा हुआ था मेरे साथ वन टाइम, ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ। यस सर, अभी बलिया का बता देता हूँ, विकास जी बलिया का बता देता हूँ। मैं मतलब पता नहीं लोगों को लगे, मैं वहीं सोया सर, वहीं पे सोया जहाँ पे भैंस भी थी गाय भी थी, और वहीं देखो कहते हैं एक साइड में, अगर मैं लेफ्ट में कहूंगा तो वो वहां पे बंदी भी थी और हम लोग देखो थे राइट में सो रहे थे सर। ऐसा हुआ सर, ये इसी अभी इसी ट्रिप की बात बोल रहा हूँ सर, और दो दिन हम लोग वहां पे सोए सर। यस सर, तो मैं सबसे यस 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 सर, विकास सर प्लीज सर आप बात पूरा कंप्लीट कीजिए प्लीज प्लीज। यस सर, तो क्या हम सब जितने लोग यहाँ पे आज बैठे हैं 97 लोग, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं ऐसे चेंजेस के लिए? अगर आपने ऐसे चेंजेस अपने लाइफ में, अपने दिमाग में, अपने लाइफ के सेटअप में अगर आपने ऐसे चेंजेस कर दिए ना, तो लोग आपको जरूर बोलेंगे। एक ऐसा समय आएगा जब आप बटरफ्लाई की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे होंगे और लोग आपको बोलेंगे कि भाई आप में तो चेंज आ गया, यू आर ग्रेट, यू आर मेंटर, पता नहीं क्या क्या आपके बारे में बोलेंगे। उस समय आपको समझ नहीं आएगा मैं आकाश की ऊंचाइयों को देखूं या जमीन पे पैर रखूं। ये सिचुएशन आपके साथ आएगा जब आप की पैर जमीन पे होंगे और हाथ आपके आकाश को छू रहे होंगे। जमीन पे पैर रखना इसलिए जरूरी है कि उस दिन को हम नहीं भूलेंगे जो हमने संघर्ष किया, और आसमान की बुलंदियों में हमारे हाथ होंगे वो हमारी अपनी कामयाबी दिखाएगी कि हमने क्या कामयाबी हासिल करी है। लोग आपको स्पेशली फोन करके बुलाएंगे, आपके रिश्तेदार, कि भाई हमारे घर में एक बार आ जाओ, तुम्हारे दर्शन नहीं हुए मुझे। लेकिन इन सब के लिए आपको करने की क्या जरूरत है? जरूरत है आपके स्वभाव में चेंज लाने की जरूरत है, आपके एटीट्यूड में बदलाव की जरूरत है, और आप जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते सब कर डालिए। सोच छोड़ भूल जाइए आप किस पोस्ट पे हैं, भूल जाइए किस तरह के एक्टिव इनकम को आप जी रहे हैं, भूल जाइए अपने रेपुटेशन को, भूल जाइए अपने सब चीज, भूल जाइए। नेटवर्क कंपनी अगर आपने करनी है तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। इस दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं, एक मेल और एक फीमेल और तीसरा विकास गौतम जी, एक यस सर महिला होती है, एक जेंट्स होती है, और तीसरी एक कैटेगरी और होती है। हाँ होती है सर, तीसरी एक कैटेगरी होती है सर, और तीसरी कैटेगरी है नेटवर्कर की, और नेटवर्कर ना मेल होता ना फीमेल होती, नेटवर्कर नेटवर्कर होता, जात होती ना उसकी कोई जात होती। अरुण जी बात को देखिए, यहाँ पर कहते ना अनुभव क्या, ये बहुत गहरी बात बोली सर। एक बार फिर से डॉक्टर एस कुमार सर अभी फिर से बोलिए बात दोबारा प्लीज। यस सर, दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होती है, और एक नेटवर्कर होता है।
और नेटवर्कर की कोई मेल और फीमेल, कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई पॉलिटिक्स नहीं होता, नेटवर्कर नेटवर्कर होता है, ना वो मेल होता ना वो फीमेल होता। करेक्ट। तो बस आपने ये सोच लिया जिस दिन आपकी सारी शर्मिंदगी खत्म हो जाएगी, किससे आपको बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, जो हेजिटेशन है सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि ना आप मेल है ना फीमेल है। फीमेल है तो मेल से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और फीमेल है तो फीमेल से बात करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप किसी से बात कर रहे हैं, आप नेटवर्कर हैं और आप नेटवर्कर से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जिससे बात कर रहे हैं उसको आप नेटवर्कर बनाना चाहते हैं। इसलिए जात कोई है ही नहीं हमारे लिए, जेंडर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। जिस दिन आपने ये सोच लिया, सारी हेजिटेशन आपकी दूर हो जाएगी और आप वो मिसाल कायम करेंगे, लोग देखने वाले देखते रह जाएंगे कि ये वही बंदा है क्या। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर। आप है सर? हाँ, हमारे वही है, कोई बात नहीं। मैं डॉक्टर कुमार को, विकास जी एक छोटी सी बात आपसे पूछूंगा। डॉक्टर साहब ने एक्सपीरियंस की बात बताई थी कि हम 5 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी उनको हो चुका है। सर क्या आप बता सकते हैं कि विकास पाठक जी ने आपकी आईडी क्यों लगाई थी, या मेरी आईडी? ओके, अच्छा, मेरी आईडी मेरी और आपकी आईडी क्यों लगाई थी? मेरी, अगर वॉइस क्लियर आ रही तो मैं बताऊंगा। वीडियो बंद करके बोलो सर, ये आवाज सुननी बहुत जरूरी है सबको। यस सर, मेरी वॉइस क्लियर है तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैं क्योंकि एक अदर कंपनी अरुण सर और उसमें आप भी थे, राइट? ठीक, वॉइस क्लियर है तो मैं बताऊंगा ना। तो मैंने इस बिजनेस को करने के लिए अपनी आईडी नहीं दी, मेरे को एटमी नहीं करना था, समझ रहे सर? मेरे को एटमी से कोई लेना देना नहीं, राइट? जिस कंपनी में मैं था उसमें अरुण सर आप भी जानते थे कि उस कंपनी में सबसे ज्यादा किसी की इनकम थी तो वो विकास गौतम की थी, राइट सर? याद है? बिल्कुल है सर, है ना? यस, मतलब उस कंपनी में सबसे ज्यादा अगर एक हफ्ते की इनकम थी तो वो मेरी थी सर, ये सच्चाई है? बिल्कुल 100%। लेकिन मैंने आपको बोला, मतलब अपने से कोई भी, है ना? हाँ, लेकिन मेरे को एटमी नहीं आता, कोई भी के जानता है मैं कि वो मेरे से अगर डॉक्यूमेंट्स मांगा दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं अभी कह रहा हूँ ना प्रोफाइल, ना मीटिंग प्लान, ना कंपनी से लेना, ना देना करना, डॉक्यूमेंट्स ले जाओ यार। लेकिन आज फिर देता हूँ जी, बहुत ज्यादा अभी भी आ रही है, अभी सही नहीं आ रही। अगर सही आ रही तो मैं बोलूंगा, वरना मैं नहीं बोलूंगा। मैं बोलता हूँ विकास जी, थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, अनम्यूट कर लीजिएगा सर। बेसिकली मैं आप सबको बता देता हूँ, विकास गौतम जी वहाँ पे भी सुपरस्टार थे दोस्तों, सुपरस्टार मतलब सुपरस्टार थे, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब कि वो बिजनेस आ रही है, ओके, आवाज आ रही है क्या? कोई मेरा साथ देगा? यस सर, क्लियर है, क्लियर है, नो इशू, क्लियर है। नहीं नहीं, विकास जी की आवाज क्लियर थी? विकास जी की आवाज नहीं आ रही है आपकी। राइट, तो मैं विकास जी की बात बता देता हूँ दोस्तों। हम वहां पे एक ऐसे लेवल पे थे विकास जी, मतलब विकास पाठक जी भी या विकास गौतम जी या मैं भी, तो हमारी आईडी सिर्फ इसलिए लगाई गई थी कि उनको ये पता था जीवन में अगर इन्होंने स्टार्ट कर दिया तो मेरे को कुछ करने की जीवन में कभी भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको हमारा काम पता था कि हम कैसे काम करते हैं, कि जब हम काम करेंगे, नहीं करेंगे तो अभी भी तो नहीं है ना, नो तो नो ही होता है। अगर मान लीजिए किसी की आईडी लगाई, नहीं किया तो नो तो है ही, अगर लगा दी और उसने यस कर दिया, मतलब कि यस हो गया, तो आप सोच के देखिए कि क्या बिजनेस वो देंगे। और विकास गौतम जी ने क्या बिजनेस दिया है, ऊपर मैं भी हूँ उसमें से, मैं भी ऊपर हूँ, तो आप सोच के देखिए। तो आपको कहने का मतलब क्या है, डॉक्टर साहब ने जो बात कही थी, हम लोगों को ना लगाया गया, वो जो एक्सपीरियंस था ना हमारा पिछला, के लोग हमारे पास थे, हमारे पास राहुल राणा था, राहुल राणा मेरा दोस्त था जिसने 40,000 से ज्यादा आईडी लगाई थी दोस्तों, 40,000। आप समझो, बहुत सारी बातें हैं, इस पर बड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा, इस पर नहीं जाएंगे। अल्टीमेटली आपको करना क्या है,
डॉक्टर एस कुमार की तरह, विकास गौतम जी की तरह, या किसी भी एक ऐसे पर्सन की तरह जो आपको ना सुपरस्टार बना दे, ढूंढना है, अपने आप को डेवलप करना है। और जो बात बोली विकास जी ने कि देखिए जो उड़ रहा होता है ना उसके साथ हर कोई उड़ना चाहता है। अगर आप धरती पे रहोगे तो ऊपर देखोगे, और जो ऊपर होता है वो नीचे देखता है। तो आप ऊपर देखना चाहते हो या नीचे, ये आपकी आपकी इच्छा है दोस्तों। करेक्ट सर विकास जी? यस सर। और अरुण सर, आप सबको पता है कि मेरी आईडी जो लगी थी अवतार जी ने क्या क्या सोच के लगाई थी। इसको कहते हैं अवतार जी, थोड़ा सा इसको भी सब ये कहते हैं ना कि जब तक सिस्टम को नहीं समझे ना तो थोड़ा वेट करना चाहिए था। उसको कहते हैं मतलब आज सुपरस्टार पता है कौन होते? सुपरस्टार होते अवतार जी। यस, अवतार जी होते, लेकिन क्या कहूंगा उसको, उतावलापन कह लीजिए या उसमें बहुत ज्यादा सिस्टम को नहीं समझना, ये उसका थोड़ा सा वो रहा। राइट सर? यस सर, यस, थैंक यू वेरी मच। अब हमारे बीच में सुशील जी हैं सर, अनम्यूट करते हैं सुशील जी को। सर हैंडलेस करवा लीजिए सबसे, जो भी बात करना चाहते हैं जी, हैंडलेस भी करवा लीजिए प्लीज सर। सुशील जी, आपको ऑप्शन दे दिया है मैंने, बाकी लोग जो भी बात करना चाहते हैं प्लीज हैंड रेस करें, और आप लोगों को हम ऑप्शन देते हैं, अभी हमारे पास समय है, आप लोग बात कर सकते हैं। सर, सुशील सर, सर जो आपने एक बात कहा ना सर कि आप वो गाय के खटाल में आप प्लान दिए थे, वैसा मौका हम लोग को तो नहीं मिला। मेरा तो एक बहुत अच्छा अनुभव है अलग टाइप का कि मैं मरने के जहाँ पे बॉडी जल थी वहां पे भी गया था। आज की कहानी सर, आज मैं लेट से जुड़ा, एक एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े थे मेरे साथ, तो उनके मम्मी पापा साथ में डेथ कर गए थे, तो उन्हीं का काम किया, आज भोज था, ब्रह्म भोज था, तो वहीं पे मैं गया हुआ था सर। तो उन्होंने परिचय कराया कि ये सुशील जी हैं, इन्हीं के साथ हम एटमी जुड़े हुए हैं, और मेरा सौभाग्य जिसे पर सुशील जी आपकी आवाज 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 रुक गई आपकी। यस, आगे सर आगे बताइए सुशील जी, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है सर? यस यस आ रही है। सुशील जी अनम्यूट हो गए आप, सॉरी म्यूट हो गए, म्यूट हो गए। आवाज मेरी क्लियर सर? फोन आपकी आवाज क्लियर है लेकिन आपका साइन जो है वो म्यूट का ही आ रहा है। ठीक है सर बताइए। तो मैं उन्हीं के साथ खाने में बैठा था, तो बाद में पूछी कि ये जो शैम्पू आप दिए थे तो हाँ उससे बाल झड़ना रुकता है क्या? तो हाँ, तो मुझे भी एक चाहिए। तो मैं उनको बोला कि मैं उन्हीं को दे दूंगा, राकेश जी को पहुंचा देंगे आपके पास, और आप चाहती है डिस्काउंट पे तो डॉक्यूमेंट दे देंगे, तो आप आगे हमेशा आपको डिस्काउंट मिलता रहेगा। तो आज सर उस दिन घाट से था और आज ब्रह्मभोज से मैं एक ज्वाइन लेके आ गया। तो एक चीज ये एग्जाम्पल है ना, वो खटाल की बात हो चाहे बांस घाट की बात हो, घाट की बात हो या मीना सर का उस खटाल में सोने की बात हो, कहने का मतलब ये है कि बदलाव तो जरूरी है और परिस्थिति नहीं देखना है। आप हमेशा उस मूड में रहिए कि जैसे ही बैटिंग मिल जाए सिक्स मार देना। जैसे कल मीना सर बोले थे एक बात कि जब एक बॉल में सिक्स लग सकता है तो छह में भी लग सकता है। तो जब आप प्लान करके जा रहे हैं तो बिना प्लान का भी ज्वाइनिंग मिलेगा, बिना प्लान का भी हम लोग को प्रोडक्ट ऑर्डर मिलेगा सर, ये तो देखा गया है जी। Yes, बाकी sir. सर बाकी लोग yes, सब लोग समझदार हैं सर, सब लोग जान रहे हैं कि बदलना ही पड़ेगा, नहीं बदलेंगे तो नहीं हो पाएगा, उस बस तैयार हैं सब लोग। राइट सुशील जी, राइट, थैंक यू वेरी मच। शिखा मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद सभी लोगों को। 10 दिन के बाद बैक टू पवेलियन, बैक टू वर्क। सर चेंजेस की बात हो रही थी तो डेफिनेटली मैं भी अभी वेकेशन पे थी और यस ये चेंजेस ही थे। मैंने बल्कि बीच में अपने स्टेटस पर डाला भी था फेसबुक पे कि ये नेटवर्किंग का ही कह सकते हैं गुड पॉइंट है कि मैं वेकेशन पे भी हूँ फिर भी मेरी टीम में काम हो रहा है। जहाँ पर हम लोग कहते हैं ना 24/7 अगर हम जॉब में हैं तो 24/7 हमारी वर्क स्टाइल होती है, बट व्हेन वी आर नेटवर्किंग
हमारा ये जो 24/7 है ये उतने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जितने लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। मतलब आप जब वेकेशन पे भी हो, इवन मैं अपने आप से ये देख रही थी कि शायद जब मैं टीचिंग करती थी सिंगली, जब मेरा साइड इनकम कुछ भी नहीं था, तो मेरे को एक टेंशन होती थी कि अगर मैं लीव पर हूँ तो ऑब्वियसली मेरी सीएल कटेगी, उसके अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा लीव्स ली थी वो कटेंगी, मेरे को उसका कोई भी पेमेंट नहीं होगा। बट अभी ये जो 10 डेज थे ये मेरा पूरी तरह से फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था कि अब मेरी यहाँ पर टीचिंग वाली जो सैलरी है वो जाए तो जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर मेरा आ रहा था। ये चेंजेस था। एंड द सेकेंड चेंजेस आई फेल्ट कि मैं जब वहां पर बनारस में अपने उन फैमिली मेंबर्स से मिली जिनकी आईडीज मैंने लगा रखी हैं, बिकॉज किसी ने अभी उसमें से कोई भी वर्किंग शुरू नहीं की है, सबने आईडीज केवल लगा रखी थी सिर्फ मेरे कहने पे, बिकॉज मेरे घर में सभी मेरा नेचर जानते हैं कि टॉकेटिव है, और वो मेरा स्कूल लाइफ में भी काम आया, मेरे को अपने यहाँ पर भी मेरा वो कम्युनिकेशन के लिए मुझे बहुत हेल्प करा, मेरा जो बेस्ट वर्जन है वो टॉकेशन है, जिसकी वजह से मुझे काफी लोगों के साथ एंटरटेन करने में इजी हेल्प होती है कि जिसके साथ भी मैं बात करना शुरू करती हूँ ओपन हो जाती हूँ, और लोगों के साथ मुझे कम्युनिकेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। चाहे वो मैं ट्रेन में थी या मैं कहीं भी घूमने जब गई थी, उन जगहों पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन मैंने ये नोटिस किया सर कि जो भी लोग मेरे फैमिली के थे, आज तक किसी ने भी मुझे उसके लिए ये कभी नहीं पूछा कि तुम्हारे एटॉमिक के प्रोडक्ट्स क्या हैं, कैसे हैं। मैंने भी उनको फ्रीली छोड़ रखा था कि मैंने कहा जब भी मैं इन लोगों से मिलूंगी तब मैं इनसे बात करूंगी, और वाराणसी जाने का मेरा मेन पर्पस भी वही था। और जब मैं इन लोगों से मिली वो खुद से मेरे से ये कहते हैं, दीदी आपका ना वो बहुत अच्छा रहता है, हम लोग ना स्टेटस आपका देखते रहते, इतनी खुशी होती है ना। तो इमीडिएट मेरा वहां पर पलटवार होता है कि आप यूज करके देखेंगे तो उससे ज्यादा खुशी होगी, अभी तो आप मेरी खुशी में शामिल हो रहे हैं ना, फिर आप खुद उस खुशी को फील कर पाएंगे। रेस कुमार सर, जितने भी लोग मेरी फैमिली के मेरी मुलाकात जिनसे हुई, अब सभी का ये है कि एक बार बताइए, क्योंकि मैंने एक बार भी वहां पर एटॉमी का नाम ही नहीं लिया, पर सामने से सभी ने मेरे से उस प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा अपनी प्रॉब्लम्स के थ्रू, ये नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट्स बताइए, आपके पास इससे रिलेटेड कुछ है क्या, एटॉमी में इससे रिलेटेड है क्या कुछ। तो ये चीज गुडविल है सर, ये चेंज है कि अगर आप किसी से बात नहीं भी कर रहे हो और फिर भी सामने वाला आपकी सारी चीजों को विजुअलाइज कर रहा है, तो वो आज नहीं कल, कल नहीं 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद आपसे पूछेगा जरूर। तो ये मेरा प्लस पॉइंट है कि उन सभी लोगों की आईडीज लगी हुई हैं, और अब जब भी वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना चाहेंगे मेरे पास ऑप्शंस हैं। तो मैं सभी लोगों से यही कहूंगी कि हेजिटेशन अगर हम रखेंगे तो शायद बहुत लेट हो जाएगी, आईडीज लगानी जरूर है, उनको फॉलो अप हम लोगों को जरूर करते रहना, अपडेट जरूर अपने आप को भी करना है, अपने स्टेटस को अपडेट सभी लोगों को करना है, क्योंकि ये आपका चेंज दिखेगा। और मेरा खुद में मेरा चेंज ये है कि मैं सिर्फ पीटीएम्स या स्कूल में मुझे अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा पता था, बट एज अ ट्रेनर भी कभी मैं आऊंगी ये मुझे नहीं पता था। स्कूल में ट्रेनिंग्स देना अलग चीज होती है, बिकॉज वहां पर हमारा एक जो कैंपस एरिया होता है वो लिमिटेड होता है, वो बच्चे होते हैं हमसे छोटी एज के होते हैं, वो हम पर ट्रस्ट करते हैं, वो क्रॉस क्वेश्चन भी अगर करेंगे तो एक लिमिटेड प्रोस्पेक्ट से करेंगे, जो भी उन हमारा करिकुलम होगा सिर्फ उससे करते थे। बट अभी जब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो यहाँ पर हर एज ग्रुप के लोग हैं, हर डिफरेंट एरिया से लोग हैं, हर एक की क्वेरीज अलग होती है, तो मुझे नहीं पता था कि इस तरह से भी मैं कभी डील करूंगी। तो सर ये चेंजेस ही हैं जिसको मैंने फील किया है मेरी लाइफ में, और यस आज मैं बहुत ही प्राउडली कहती हूँ कि ये जो चेंज मेरी लाइफ में हुआ है बहुत ही पॉजिटिव हुआ है, और आगे भी इसको लेकर के मुझे बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस को लेकर के आएंगी। जो हो रहा है बदलाव है, जो दिख रहा है, कुछ लोग सामने से बोल देते हैं, कुछ अंदर रखे हुए हैं। और आज का ही इंसिडेंट सर, मेरे स्टेटस पे मेरी आज से 12 साल पहले एक स्टूडेंट थी, उसने कमेंट किया कि मैम मेरे को ये चीज आप समझाएंगे या आप क्या चीज डालते हो, मैम हमेशा मैं आपका स्टेटस देखती हूँ, कभी मेरा इस 12 साल में उस बच्चे से कोई कम्युनिकेशन नहीं था। उस समय वो बच्ची 9th में थी जब मैंने उसको छोड़ा था नोएडा में,
और आज उस बच्चे का रिप्लाई जब मेरे पास आया, सर मेरे को बहुत तसल्ली हुई कि यह बच्चा मुझे फॉलो जरूर कर रहा था, तभी इसे पता है कि मैम अब नेक्स्ट कर क्या रही है। तो ये सब चेंजेस ही हैं सर। तो थैंक यू सर, ओवर टू होस्ट। ग्रेट, डॉक्टर एस कुमार। मोना कुमावत जी आपको इनवाइट किया है, मोना कुमावत जी। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत, जय एटॉमी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मोना कुमावत है, मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशनल मैं एक हाउसवाइफ हूँ, पर हाल ही में एक मंथ से मैं एटॉमी बिजनेस को सीख रही हूँ। मुझे बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिल रहा है। बदलाव की बात करूँ तो मेरे अंदर बहुत कुछ बदलाव हुआ है यहाँ आने के बाद। पहले मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, मैं बोलने में बहुत एकदम हिचक जाती थी, ऐसे डर लगता, नर्वस होती थी। बट अब मैं थोड़ा थोड़ा बोलने के भी कोशिश कर रही हूँ, सीख रही हूँ। और मैं एक फीमेल नहीं, एक नेटवर्क मार्केटर हूँ। और बात करूँ मैं मीटिंग से, मुझे रोज बहुत कुछ सीखने को मिलता है मीटिंग में। और इच्छा शक्ति मजबूत, जो विकास सर ने अभी बताया, अगर मैं अपनी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं करती तो शायद मैं आज एटॉमी में नहीं आती। और कामयाबी की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, और चाहकर भी हम वहाँ नहीं जा सकते जहाँ हम लौट कर आए। और सर मैं जाती भी नहीं हूँ कि मैं जहाँ से लौट कर आई हूँ मैं वापस वहाँ पे जाऊँ, मुझे जाना भी नहीं है सर, मुझे बहुत आगे बढ़ना है सर, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू मोना जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा पूरन मीना जी को। पूरन मीना जी अनम्यूट करें प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पूरन जी, बताएं। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, मैंने एक न्यूट्रासिकल मिक्स से यूज कराया था सर मेरे ससुर जी को। पूरन जी, पूरन जी, पूरन जी, थोड़ा सा हम थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं, इसको हम पर्सनली ले लेंगे। आज के सेशन से रिलेटेड बात करें सर प्लीज। विकास गौतम जी का सेशन था, उस सेशन से रिलेटेड बात करें और ये प्रॉब्लम हम लोग फोन पे बात कर लेंगे सर। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस विवेक वील जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक ही चीज कहूंगा सर, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और एक चीज और कि सर, यस वी आर चेंजिंग, आई एम चेंजिंग, और मैं हमेशा चेंज होता रहूंगा सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू विवेक जी, थैंक यू वेरी मच। और अरुण मीना सर, हैंड रेज, अरुण मीना सर प्लीज। सर एक्चुअली मेरा पहले से ही है, और बाकी और किसी का है तो प्लीज अगर जो बात करना चाहे तो प्लीज आ सकते हैं। हैंड डाउन कर देता हूं। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं सर, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, फिर भी मैं एक ही चीज कहूंगा, बिल्कुल प्रकृति का नियम है, बदलाव जरूरी है। कहते ना कि पौधा जो होता है बिल्कुल वो वृक्ष बन सकता है, तो आपको भी कुछ बदलाव करना पड़ेगा। और एक सेशन सुशील जी ने कहा था नो कहना पड़ेगा, मैं आपको अपने अपने बारे में बता देना चाहता हूँ, नो कहना पड़ेगा। और जब कहा है ऐसा आपने कहने के लिए, आज एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। इस ट्रिप में क्या हुआ, छोटा सा दो लोगों के बारे में बताऊंगा। मैं आज बलिया में बोलूं तो मैं एक ऐसे पर्सन से मिला जो IIT को ट्रेनिंग देता है सर, IIT को ट्रेनिंग देता है। और मैं ग्रेजुएशन भी जिसको कहते हैं ना, मतलब कहते हैं ना ऑनलाइन वाली करी, मतलब प्राइवेट करी। और मैं उसको समझा रहा था और वो मेरे सामने बैठ के बिल्कुल अच्छे से सुन रहा था। वो बाहर आके उन्होंने कहा, यस अरुण जी यू आर बेस्ट, और हम इसको मिल के करेंगे, बहुत अच्छा। मतलब कि उस लेवल के पर्सन को भी उसने सुना। और एक BHU में जिसको कहते हैं सर प्रोफेसर है, मतलब कि वो रिसर्च पे काम कर रहे हैं, उसने अपने इतने सारे प्रोजेक्ट दिखाया मेरे को कि देखिए ये मेरे हैं, आप अगर मेरा नाम डालेंगे तो ऐसे देख जाएंगे। मैं उनको समझा रहा था, मतलब मेरे जैसा पर्सन जो बहुत ज्यादा मतलब कुछ भी नहीं हूँ एक्चुअली मैं बोलूंगा तो, बदलाव, ये बदलाव हुआ है। और किसकी वजह से? नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से दोस्तों। क्या मेरी हिंदी भाषा में कहो, मेरी औकात नहीं थी जो IIT को पढ़ाता है या जो BHU जैसे मैं
रिसर्च पे काम कर रहा है, प्रोफेसर है रिसर्च पे, साउथ कोरिया रह चुका है, यूएसए रह चुका है, कनाडा रह चुका है, पता नहीं क्या क्या कर चुका है। और मैं उनको एटमी समझा रहा था और वो कह रहा था आप मेरे को सिर्फ एक चीज क्लियर कर दो कि मैं जो कर रहा हूँ उससे ज्यादा यहाँ पे मेरा फ्यूचर है, मेरा भविष्य है, तो मैं एटमी को ज्वाइन जरूर करूंगा। तो मैंने कुछ चीजें जरूर शेयर करी उनको और आज वो ये तो नहीं कहूंगा ज्वाइन हो गए, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है मैं इस पर सर्च करूंगा। तो ओवर टू यू डॉक्टर साहब। यस सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और आप में से कोई भी बात करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज करें, हमारे पास 11 मिनट और हैं क्योंकि 9:30 में हम लोग मीटिंग को ऑफ कर देंगे। दीपाली जी। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे अनम्यूट किया आपने और सभी को गुड मॉर्निंग सर। सेशन तो बहुत अच्छा होता ही है और आज तो स्पीचलेस है कि क्या कहें। दूसरी चीज सर, ये बिल्कुल चेंज करेंगे सर और हो रहा है चेंजेस, सब नोट कर रहे हैं, सब अपने में नोटिस कर रहे हैं और एटॉमी में आने के बाद तो हर कोई बदल ही जाएगा, इसमें इतनी ताकत है। सर एक चीज मैं कहना चाहती हूँ अपने मन की बात सभी को, प्लीज कोई बुरा ना माने सर। एक तो जब भी हम बोलते हैं जय हिंद जय एटॉमी जय भारत, तो इसमें हमें शायद थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए, जय हिंद और जय भारत एक ही चीज है, तो कृपया या तो जय हिंद कहा जाए या जय भारत कहा जाए तो बहुत अच्छा होगा। जी मैं रोकना चाहूंगा तुमको, देखिए बोलना चाहता है कोई बोल सकता है ना, वो जय हिंद भी बोले जय भारत भी बोले, दीपाली कोई बात नहीं मेरे साथ ना, क्योंकि जय हिंद और जय भारत तो दोनों एक ही चीज है। अरे एक ही चीज, अगर मान लीजिए आप बोलना चाहो जय हिंद बोलो तो आप जय हिंद भी बोल सकते हो, अगर कोई जय भारत जय एटॉमी बोलना चाहे तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि जय भारत मत बोलिए। दीपाली जी मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैं संशोधन करना चाहूंगा। दीपाली जी मुझे सिर्फ इतना बताइए, अगर मैं ये कहूँ जय भारत जय भारत जय भारत, या मैं ये बोलूँ जय हिंद जय हिंद जय हिंद, या मैं बोलूँ जय भारत जय हिंद जय भारत, चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर, क्योंकि ग्रामेटिकली राइट है। देखो एक अब मैं बताना चाहता हूँ कि हम जय भारत जय हिंद अगर हम कहते हैं या जय भारत दो बार कहते हैं, तो अगर आप कहते हैं कि दोनों का मीनिंग सेम है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि इस बंदे ने दो बार जय भारत बोल दिया। सर मेरी मीटिंग जब मैं स्पीकर पे सुनती हूँ, जब मेरे यहाँ कोई होता है तो एक बहुत बड़े विद्वान थे यहाँ पर बैठे थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये ठीक नहीं है, तो मैंने मुझे लगा कि शायद कोई बाहर का कमी निकाले हम लोगों के बीच में, तो उससे बेटर है कि हम लोग खुद। चलिए अभी मैं बताइए, मुझे ये बताइए सर, ऐसे आप मुझे बताइए जय हिंद बोलने में और जय भारत बोलने में उन्होंने क्या कमी निकाली? सर जय हिंद जय एटॉमी जय भारत अगर ये कोई कहता है तो क्या इसमें ये ठीक है? नहीं गलत क्या है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। क्या तो आप जय हिंद जय हिंद कहेंगे या फिर आप जय भारत जय भारत जय भारत कहेंगे? तो मैं यही जानना चाहता हूँ उस महानुभाव ने क्या बोला कि जय हिंद और जय भारत अगर हम दोनों कहते हैं तो गलत क्या है? सर आप सभी सीनियर लीडर्स हैं तो मैं कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करना चाहती, आप लोगों से बहस नहीं करना चाहती। नहीं, बहस कर रहे हैं हम, सिर्फ उस महानुभाव की बात सुनना चाहते हैं, आपकी नहीं उस महानुभाव की। सर जो भी कहा मेरे ख्याल से ये ठीक है जो मैं चीज कह रही हूँ, और बाकी जी शिखा मैम लिख रही है कैन वी चेंज द टॉपिक, तो मुझे दिस इज नॉट डिबेट, ये डिबेट की डिबेट हम नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि अगर हम ये बात कहते हैं मीटिंग में जय हिंद कहते हैं जय एटॉमी कहते हैं जय भारत कहते हैं तो हमें भी पता होना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं। तो मैं यही जानना चाहता हूँ वो जो भी पर्सन थे उन्होंने क्या गलती निकाली, सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जय हिंद भी हिंद है और भारत भी हिंद है, तो या तो जय हिंद होना चाहिए या जय भारत होना चाहिए, और एक साथ होना चाहिए जय हिंद जय एटॉमी फिर जय भारत। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, इसके बारे में विकास जी से एक बार बात करते हैं और अगर हो सका तो हम इसको ऐसे ही करेंगे मैम। राइट राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दीपाली जी। और आप में से कोई भी बात करना चाहते हैं प्लीज। ओके
तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा लास्ट नोट के साथ, अगर कोई भी बात नहीं अब करना चाह रहे या कोई बात की टॉपिक अगर नहीं है तो मैं अगेन इनवाइट करना चाहूंगा विकास गौतम जी को। विकास गौतम जी आप आए और लास्ट नोट दें और हम लोग इस मीटिंग को एंड की तरफ मूव करें। थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस क्लियर आई अरुण जी? यस। ओके थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए सभी साथियों ने बहुत अच्छा भी बोला, मैंने भी परिवर्तन ही संसार का नियम है। और अपने आप को अगर कामयाबी लेनी है तो दर्द के साथ कामयाबी का जन्म जरूर होता है। बहुत बड़ी अगर कामयाबी चाहिए तो हम लोगों को पेशेंस के साथ हमेशा वर्क करना होगा। और हमेशा एक बात और ध्यान रखिए कि कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूँ कीमत तो चुकानी पड़ेगी। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आज आगे बढ़ रहा है, हर साथी अपनी एक कीमत चुका के आगे जरूर बढ़ रहा है। और सभी को यही कहूंगा कि देखिए सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। हो सकता है किसी के सिखाने में थोड़ा फर्क हो, कोई बहुत अच्छा सिखाता हो, लेकिन बस बड़ा होता है सीखने वाला, सिखाने वाला कभी बड़ा नहीं होता। मैं आज भी कहना चाहता हूँ सिखाने वाला कभी बड़ा नहीं होता है, सीखने वाला बड़ा होता है। सीखने वाला होगा यूनिवर्सिटी के कहते हैं कि एक शराबी से भी बहुत कुछ सीख सकता है, और नहीं सीखने वाला होगा तो यूनिवर्सिटी के लेक्चरर से भी नहीं सीख सकता है। तो प्लीज सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने ऊपर परिवर्तन करते रहिए, चेंज करते रहिए, अपने आप को डेवलप करते रहिए। विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, सिस्टम के ऊपर विश्वास रखिए, आप इस बिजनेस में जरूर कामयाब होंगे, 100% कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और एक है कोई कुछ निहारिका है सर, एक मिनट लेना चाहूंगा सर। निहारिका है, उनका कुछ सवाल था और मैं उनकी कुछ निहारिका आप अगर हैंड रेज कर सकते हैं तो आप हैंड रेज करें प्लीज। चैट बॉक्स में आपने कुछ लिखा है, इट इज अगर कोई पूछे कि आप एक्मी में वर्क करते हो क्या क्या या प्रोडक्ट के बारे तो क्या आंसर दिया जाए। निहारिका मिश्रा अगर आप हैं तो हैंड रेज करें, आप क्या कहना चाहते हैं, एक्चुअली समझ नहीं आ रहा। सर ज्योति जी को भी प्रदीप जी, प्रदीप जी यस सर, अरुण सर वही ज्योति जी को अनम्यूट कर दीजिए। ओके ज्योति जी को अनम्यूट कर दिया। हेलो जय श्री कृष्णा अरुण सर। यस इस्माइल सर तबीयत खराब है और आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तबीयत खराब जी। आज का सेशन बहुत ही शानदार था और डॉक्टर एस कुमार साहब ने कहा, जितने भी लीडर्स हैं अरुण सर, सुशील सर, विकास गौतम सर, सब ने बहुत 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 बेटर नॉलेज दिया कि चेंज होना चाहिए। बट चेंज होना बहुत जरूरी है और साउथ अपनी कंपनी बाहर की है, वर्ल्ड वाइड है, लेकिन इसके साथ हमें हमारी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। हमारे ईस्ट है, हमारा इंडिया है, हमारा भारत है, चाहे न्यू प्रोस्पेक्ट हो, चाहे कोई भी हो, हमें कहीं पे भी कोई ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हम किसी से कम है। चाहे हिंद बोलो, चाहे भारत बोलो, बोलो, चाहे न्यू प्रोस्पेक्ट हो, चाहे ओल्ड हो, कुछ भी हो सर, हमें प्राउड फील होना चाहिए। दो बले, तीन बले, चार बले, पांच बले, लो दौड़ो, भागो, रेंगो, चलो, लेकिन कीड़े मकोड़ों की चाल चलो, लेकिन चलो। तो हमें ये शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए मैम। हमें कोई भी बोले कि दो चीज है, एक ही है, तीन चीज है, एक ही है, क्यों भाई? वो हमारे लिए प्राउड की बात है। हमारा बिजनेस हम बाद में है, मेरा भारत पहले है, मेरा हिंद पहले है, मेरा हिंदुस्तान पहले है, ये होना चाहिए। और मैं प्राउड के साथ बोलती हूँ जय हिंद, जय भारत, जय एटॉमी। क्यों नहीं बोलूं? क्योंकि मेरे इंडिया के लोग कर रहे हैं और मैं बोलूंगी, डेफिनेट बोलूंगी। मुझे दो बार बोलना पड़े, मुझे तीन बार बोलना पड़े, मुझे चार बार बोलना पड़े, और ये इंडिया के पीपल्स है,
तो डेफिनेटली बोलेंगे. थैंक यू सो मच सर. विकास सर, आपने मुझे ये मुझे नारा दिया, ये मुझे स्लोगन दिया. थैंक यू सो मच एंड सैल्यूट सर, कि आपके कारण हम बहुत सीखते हैं, अरुण सर के कारण हम बहुत सीखते हैं. और थैंक यू सो मच सर. थैंक यू थैंक यू जेसी जी. और कोई शिकायत नहीं लगा है, दीपाली जी को भी मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, आपने करेक्ट करने की कोशिश करी है उस चीज को, आपका कोई गलत वो नहीं है. दीपाली जी बिल्कुल भी आप अपनी जगह 100% ठीक है दीपाली जी. और मैं एक बात जानता हूँ कि कोई भी बात अगर हम लोग एक देखिए, मैं ऐसे कहना चाहूंगा, अगर इस बात को हम छोड़ते हैं, अगर आपसे दीपाली जी, ज्योति जी, जितने भी लोग हैं, अगर आपसे ये कोई पूछे कि भाई इस शैम्पू में क्या क्या इंग्रेडिएंट है, और अगर आपको सामने वाला ऑब्जेक्ट करता है तो वो भी आप अपने अपलाइन से पूछेंगे, बिल्कुल सही है. अगर इस चीज के लिए उसने ऑब्जेक्ट किया है तो आपने अगर पूछा अपने अपलाइन से, तो मैं समझता हूं ये भी ठीक है. ये भी एक सवाल है, वो भी एक सवाल था. इसमें कुछ भी मैं नहीं समझता कि आपका कहना या आपका बोलना गलत है. गलत इसलिए नहीं है कि आपके सामने एक सवाल आया, और ये आपकी ड्यूटी भी बनती है, और उस सवाल को आप अपने अपलाइन के सामने रखें, और उसको हमने जानने की कोशिश करी कि उस पर्सन का भाव क्या था कहने का, लेकिन वो भाव हमारे पास नहीं पहुंच पाया. तो हम अलग से भी बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि देखिए मैं एक चीज समझता हूँ दीपाली जी, स्पेशली बोल रहा हूँ आपका नाम लेके. कई लोगों में कई लोग ऐसे होते हैं कि देखिए एक चीज होता है, जैसे अभी ज्योति जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि बोलना तो आए. लास्ट कंपनी में एक चीज मैंने सीखी थी कि गाना आए या ना आए, गाना गा सकते हो या नहीं गा सकते हो. नहीं भी गा सकते हो तो एटलीस्ट कम से कम, बहुत लोग अगर गाना गा रहे हैं तो आप कम से कम मुंह अगर हिला रहे हो तो लोग ये समझेंगे कि आप गाना गा रहे. तो गाना आए या ना आए, कहते ना गाना चाहिए, एग्जैक्टली यही बात है. तो वो एक सवाल था, वो एक उसका भाव, जो सामने वाले का जिस भी भाव से उसने बोला हो, उस भाव को अगर आप बता पाते तो शायद हम क्या पता आंसर दे पाते. हम भी आंसर ठीक से नहीं दे पाए क्योंकि हमें उनके भाव का नहीं अंदाज था कि वो किस भाव से इस बात को उन्होंने बोला, पहली बात. दूसरी बात है कि कोई भी डाउनलाइन, जिसकी भी डाउनलाइन है, उसको ये बात जरूर पूछना चाहिए कि मेरे सामने ये सवाल आया है तो मैं ऐसे सवाल का, नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसे सवाल आ जाते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हो, जैसा कि अभी एक टॉपिक था कि जय हिंद जय भारत, जो भी है, तो हमें पूछना है. अगर हम पूछेंगे नहीं ना, तो फिर सेकेंड टाइम भी ये चीज हमारे सामने आएगी और सेकेंड टाइम हम उसके बारे में नहीं बोल पाएंगे कुछ. और हम नहीं चाहते कि हमारी एटमीज इंडिया की कोई भी डाउनलाइन सेकेंड टाइम सेम क्वेश्चन के लिए आंसर ना दे. तो आपने जो पूछा 100% पूछना चाहिए, और ऐसी बात किसी के भी सामने आती है तो वो पूरा हक बनता है उनसे कि वो अपना अपलाइन से पूछे कि अगर हम ऐसी बातें कर रहे हैं तो बातें सही हैं, गलत है या नहीं है, या हम क्यों कर रहे हैं. तो मेन मुद्दा है कि सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात है कि हम, हमारी टीम का नाम क्या है, एटमी इंडिया. हम अपने इंडिया को हम लोग सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए हम सब ईश्वर की वंदना करते हैं. अगर मुसलमान लोग हैं तो आप देखते हैं वो भी ईश्वर की वंदना करते हैं, कोई हिंदू है वो भी ईश्वर की वंदना करता है, कोई भी कास्ट हो, हर आदमी का ईश्वर की वंदना करने का तरीका अलग होता है. हर आदमी के सामने अलग शक्ल सूरत का ईश्वर होता है, लेकिन एक चीज कॉमन होती है और वो होती है भाव. तो भाव अगर कॉमन है तो मैं समझता हूं फिर कुछ भी आप बोलिए. गूंगे लोग भी होते हैं जो ईश्वर की मनन करते हैं, तो क्या ईश्वर उनको नहीं मिलेगा. तो अगर हमने अच्छे भाव से कुछ भी बोला, चाहे वो क्या बोला, जय एटमी बोला, जय इंडिया बोला, जय भारत बोला, जय हिंदुस्तान बोला, कुछ भी बोला, उसके पीछे हमारे भाव कैसे हैं. हम अगर उस महानुभाव को इतना बता देते कि जी हमारा तो भाव है कि हम हिंदुस्तानी है और हम एटमी को रिप्रेजेंट करते हैं, शब्दों का क्या है, शब्द तो
कोई लोग शब्द अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं, इन्हीं लोगों को शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं आता, कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो अगर हम उन जंजाल में फंस जाएंगे तो हम अपने भाव कैसे व्यक्त कर पाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज है हम अपने भाव को व्यक्त करें, हम अपने हिंदुस्तान को व्यक्त करें, हम दिखाएं यस हम हिंदुस्तानी हैं, और एटमी में भी हम टॉप लेवल पे पहुंच के दिखाएंगे। जितने इंपीरियल मास्टर वर्ल्ड में कहीं नहीं है उतने इंपीरियल मास्टर इंडिया से पैदा करके दिखाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो, और आपका सवाल अपने जगह 100% ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ओवर टू अरुण सर। थैंक यू डॉक्टर साहब और दीपाली मैम, थैंक यू आपको भी और सभी को थैंक यू एक्चुअली। और अब इस माहौल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना भी चाहिए। कितने लोग नहा रहे हैं बताओ, ठंड हो रही है, नहा रहे हैं नहीं नहा रहे? सर एक सवाल, मैं थोड़ा रुकूंगा सर, प्लीज आपके पास वापस आता हूँ। डॉक्टर दीपाली जी कहती हैं मेरे कोई डायरेक्ट अपलाइन नहीं है, तो दीपाली जी प्लीज आप एक बार अनम्यूट करिए, क्या आपको लगता नहीं कि हम आपके अपलाइन का रोल अदा कर सकते हैं? मतलब नहीं है अरुण सर सक्षम नहीं है, मैं सक्षम नहीं हूँ, विकास गौतम जी सक्षम नहीं है, क्या हम आपके डायरेक्ट अपलाइन नहीं है? स्पॉन्सर कभी भी आपका जिसको कहते हैं अपलाइन या लीडर नहीं होता, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ दीपाली जी। अरुण जी, अरुण जी, दीपाली मैम वेलकम। ये डॉक्टर दीपाली जी अनम्यूट किया आपको। जी सर, जी सर, दीपाली मैम, दीपाली जी एक तरफ आपको एक सवाल मेरा, क्या आपको लगता है कि डॉक्टर एस कुमार, सुशील श्रीवास्तव जी, अरुण मीना जी, विकास गौतम जी आपके डायरेक्ट अपलाइन बनने लायक नहीं है? सर आप लोग तो बहुत सुपर्ब हैं और आप लोगों से ही मैंने सब कुछ। फिर आपने चैट बॉक्स में ये कैसे लिख दिया कि मेरी कोई डायरेक्ट अपलाइन एक्टिव नहीं है? इमीडिएट एक्टिव अपलाइन नहीं है ना सर, देखिए। अच्छा एक चीज बताइए, आपको 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 फल खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से मतलब है? बहुत छोटी छोटी बातें कभी होती है ना पूछने के लिए, तो फिर थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि सब लोगों को फोन। कोई हेजिटेशन नहीं है आपके लिए, आपकी अपलाइन यहाँ बैठी है, विकास गौतम, अरुण मीना सर बैठे हैं, छोटी बात हो बड़ी बात हो किसने मना किया आपको पूछने के लिए, ये बताइए। मैम कभी आपने फोन किया हो या मैसेज किया हो या कुछ ऐसा, कभी ऐसा फील हुआ कि ऐसा कुछ लग रहा है हमें? नहीं सर बिल्कुल नहीं, आप मैं तो ऑब्लाइज होती हूँ कि आप लोग एकदम से कॉल अटेंड करते हैं और बताते हैं, लेकिन सर एक होता है ना अपलाइन कॉल करके कहते हैं यार तुम ये करना है तुम कर लो, जो वो चीज जो होती है ना सर वो चीज मेरे साथ नहीं होती, तो मुझे बड़ा दुख होता है। भूल जाइए ना, भूल जाइए उसको। अच्छा अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी एक सवाल जी, इनसे पूछो कि ऑटो सेल्स मास्टर से दिन में दो बार बात होती है क्या, पूछो बताइए। सर बिल्कुल जब बात होती है, लेकिन सर मतलब बिल्कुल होती है। मेरा एक क्वेश्चन जी सर, मास्टर आपके जो होते हैं अपलाइन में आते हैं क्या? सर सुपर डुपर ऊपर अपलाइन है। एक और क्वेश्चन, जो आपके स्पॉन्सर अपलाइन थे वो चाहिए या ये? सर आप सभी, सर आप सभी जी, सर आप सभी, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अपलाइन नहीं है विकास गौतम जी के, और हमारे अपलाइन जिसको कहते हैं हम कैसे करें? सर एक मिनट, सर अरुण सर एक मिनट, मैं दीपाली जी से सेम क्वेश्चन रिपीट करूं, इनकी जो अपलाइन है वही तो मेरी अपलाइन है, मैं किसके पास जाऊँ? इतना एक्सपीरियंस है, आप इतने ब्रिलियंट है कि आपने तो आपने एग्जैक्टली आपने क्या करना है दीपाली मैम, आपने एग्जैक्टली क्या करना है, एक्सपीरियंस एक दिन में नहीं आता है, थोड़ा समय जब आप यहाँ लगाएंगे तो आपको भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएंगे, क्योंकि साल समय जो होता है, समय बहुत बल कहते हैं ना, समय बहुत बलवान होता है, उसके साथ साथ आपको वो सारी चीजें और आप ऑलरेडी इतनी अच्छी मीटिंग लेते हैं कि मैं नहीं समझता कि आपको किसी डायरेक्ट अपलाइन की रिक्वायरमेंट है, आपको सिर्फ टॉप अपलाइन की रिक्वायरमेंट है,
वो दो दो आपके साथ खड़े हैं, अरुण मीना जी और विकास गौतम जी। आपको अब अपलाइन की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत अच्छे मीटिंग देते हैं। राइट, मेरा ये मानना। अरुण जी मैं आज भी इस मंच पे कह रहा हूँ, सच्चाई सारे लोग सहमत होंगे कि डॉक्टर दीपाली ऑटो सेल्स मास्टर से 20 गुना अच्छी बोलती है, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, कोई शक नहीं, सहमत हो मेरी बात से? बोलिए सभी लोग प्लीज। ज्योति को सर, मैं विकास जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ज्योति जी को एक बार वापस लेना चाहूंगा। ज्योति प्रदीप कुमावत। हाँ जी सर। यस जी, बताइए जी। सर दीपाली मैम में बहुत टैलेंट है, बहुत ज्यादा, और इनके जो शब्द होते हैं वो शायद इनके जैसे शब्द किसी के पास भी नहीं है सर। डेफिनेटली हम बोलते हैं, बोलना हमें भी नहीं आता, इनके पास बहुत अच्छे शब्द है सर, बहुत टैलेंटेड है ये। थैंक यू। अब देखिए दीपाली जी, अब आपको क्या लगता है, अब बताइए कहां कॉन्ट्राडिक्शन है? सर थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे बहुत इंकरेज किया। नहीं वैसे मैं बता दूं राहुल, मैं बता दूं अरुण जी, मीटिंग के बाद में दीपाली से मैं बात करूंगा। क्योंकि ये मेरी मैं एक हम लोगों ने एक सेशन भी किया था मैम, अपलाइन जिसको कहते हैं ना, बनना है, अपलाइन बनना नहीं है। अरे बदल गया समय भाई, बदल गया टाइम, बदल गया, टेंशन बदल गया, वक्त बदल गया कि हमारा अपलाइन। मैं आपको एक, मैं यहाँ सबके सामने बता रहा हूँ, मैंने आज तक एक भी प्लान जिसको कहते हैं मेरे किसी भी अप्लाइन से मैंने नहीं लिया, और मतलब किसी को नहीं दिलाया आज तक, डे वन से बता रहा हूँ मैं आपको। जी सर। तो कोई बात सर, बस आपके अंदर टैलेंट है। सर मैं अब हम लोग सर मीटिंग को एंड की तरफ लेके चले सर। राइट राइट प्लीज जी मैम। मैम अगर मेरी किसी भी बात का आपको बुरा लगे तो आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें इतना तो होना चाहिए कि कोई हमें इस तरीके के अगर क्वेश्चन पुट अप करे तो हम उनके सामने प्रेजेंट कर सके, हमारे भाव प्रेजेंट कर सके। भाव भाव ये सिंपल है, भाव जो डॉक्टर साहब ने कहा, हम क्या गलत वे से बोल रहे हैं क्या? हमारी मंशा तो गलत नहीं है ना एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आप मुझे, मैं आपको भी अपना इंस्पायरेशन मानती हूँ, ऐसा नहीं है, और मैं बहुत फॉलो करती हूँ आपके शब्दों को लेके, और आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैंने यहाँ पे आपको बोला है। मुझे हाँ, मुझे गलत लगता है, मुझे बुरा लगता है जब कोई मेरे हिंदुस्तान के बारे में बोलता है, तो मुझे बुरा लगता है थोड़ा बुरा लगता है, तो बस आप बुरा मत मानिए। इसको खत्म करते हैं, इसको खत्म कर दो बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। और हम लोग कल मिलते हैं एक नए स्पीकर के साथ, नए जोश के साथ और नए तहलके के साथ। आप लोग बने रहिए, और जितने ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं गेस्ट को इनवाइट करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू सभी को, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत करेंगे।